सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? मैं हूँ मुंबई से। आज 1 फरवरी है एंड ये आज आपका पहला दिन है क्लास का, हमारा मेकअप डिप्लोमा। ओके, इन बेसिक टू एडवांस मेकअप, ओके, प्रोफेशनल डिप्लोमा है हमारा, यू नो इट वेरी वेल। एंड ये हमारा पहला दिन है, राइट? एवरीवन एक्साइटेड? यस, आई कैन सी दैट, लवली लवली स्माइल। यस, मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट थोड़ी देर के लिए, एंड आई एम गोइंग टू स्पीक टू यू एवरी वन ऑफ यू। ओके ओके एवरीवन, बस अपने कैमराज ऑन रखना सो दैट आई कैन सी यू। इतने प्यारे प्यारे चेहरे मैं देखूं और आपसे जो एनर्जी मिले तो मुझे भी एनर्जी मिले, है ना? है कि नहीं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम गुड मॉर्निंग क्यों करते हैं। आप लोगों में से बहुत से जो पहले ही सामंजस्य से जुड़े हैं उनको पता होगा कि व्हाई वी से गुड मॉर्निंग। जो जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रही हूँ, सामंजस्य में हमेशा गुड मोर अर्निंग होती है। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मोर अर्निंग। ओके, सामंजस्य हमेशा आपको यही सिखाना है कि आप लोग बेहतर कैसे बने, अच्छा कैसे कमाएं और अपने आप को आगे कैसे बढ़ाए, तरक्की कैसे करें। ओके, दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से गुड मॉर्निंग। और क्या है ना, एक बार हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना तो एक एनर्जी आ जाती है कि नहीं? क्योंकि मॉर्निंग वाली एनर्जी इज दी फ्रेशेस्ट एनर्जी, है ना? एकदम फ्रेश फ्रेश वाली ना। तो पूरे दिन के थके हुए होते हैं तो हम गुड मॉर्निंग ऐसे बोलते हैं तो क्या लगता है कि अरे हाँ यार जागे, है ना? सो यही होने वाला है क्लास में। ये क्लास में बहुत धमाल होने वाली है, बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है आपको, थियोरिटिकली एंड प्रैक्टिकली बोथ। तो बी रेडी, हाँ बी रेडी। मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछने वाली हूँ, आप लोगों को जवाब भी देना है। जो ऑलरेडी मैं आपसे पूछना चाहूँ, जो पहले ही सामंजस्य से जुड़े हुए हैं वो लोग कौन कौन है? कैन यू रेज योर हैंड्स प्लीज? जो ऑलरेडी हेयर या मेकअप, पहले भी मेकअप किया हुआ है, हेयर किया हुआ है? ओके, लॉट ऑफ यू, आप लोग तो फैमिली हो फिर। आपकी मेजोरिटी है, आप सबकी मेजोरिटी है फिर, है ना? राइट, रेणुका, यस। सबसे ऊंचा। लवली लवली, वेरी नाइस, यस। गुड मॉर्निंग नजरा, आप वापस ज्वाइन हो गए ना? गुड, नाइस। आप लोगों से मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, तो कौन सबसे पहले मुझसे बात करना चाहेगा? कौन मुझसे पहले बात करना चाहेगा? ओके, रेणुका जी का सबसे ऊंचा हाथ है, आई एम सॉरी, शी विंस। उन्होंने सबसे पहले सबसे ऊंचा हाथ उन्होंने किया। ओके सर, स्मृति दोनों हाथों को आप प्रेस कर रहे हो। ओके, लेट मी स्पीक टू रेणुका फर्स्ट एंड देन आई विल कम बैक टू यू। ओके ओके, उससे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू योर मेंटोर, जो मेरे साथ में आपके ये जो है क्लास लेने वाले हैं। ओके, आपके मेंटोर, आपके गाइड, एंड दैट इज मिस्टर महेश। गुड मॉर्निंग महेश। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। सो महेश, आर यू एक्साइटेड? मैम, यस मैम, वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड, राइट? है ना, एक नई बैच यस मैम, एंड वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दी प्रीवियस बैच, एंड यस, उसमें के भी बहुत सारे बच्चे हैं आपके साथ में फिर से, तो क्या छोड़ना ही नहीं चाह रहे, है ना? यस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सी, आपको भी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ ओके सुषमा, हाँ जी, यस महेश। यू। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, मेरे को अगेन एक न्यू बैच का कोर्स सिखाने का मौका देने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है। सबसे कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, और हर बार एक न्यू सीख मिलती है आप सबसे भी और मैम से भी। मैम हर बार आते तो एक नया चीज सिखा के ही जाते हैं। थैंक यू सो मच मैम, वेलकम बच्चा, गॉड ब्लेस यू एंड गुड लक टू यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सरस्वती, थैंक यू सो मच।
सो मैं और महेश जो है वो आपकी पूरी क्लास लेने वाले हैं। ये पूरा डिप्लोमा जो है हम दोनों मिलके कंप्लीट करेंगे। ओके, इज एन एक्सलेंट टीचर, एक्सलेंट मेंटोर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम बच्चा, वेलकम। ओके, अभी मैं रेणुका जी से बात करूंगी। हाँ रेणुका, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, प्रणाम। हाँ जी रेणुका, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक है मैम, आपसे बात करने के लिए बहुत इच्छा थी, बहुत। मत कहिए, हम 3 बार थैंक यू सो ज्वाइन किए। मच। हाँ, अब बहुत अच्छी है मैम, इतनी अच्छी है। आप इतना कम में हम लोग को सिखा रही है, प्लस आप समाज सेवा कर रही हैं, एक तरह से मैं यही बोलूंगी, आप सोशल वर्किंग कर रही हैं। आपकी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। पता है, ये आपका प्यार है जो हमें ताकत देता है, प्रेरणा देता है कि हम कुछ कर पाए। ये जो ऊपर वाले ने मौका दिया है वो एंड प्यार करती हूँ, है, वो उसके लिए फ्यूल है, यू नो, एंड उसी की वजह से हम चल पा रहे हैं, हम कर पा रहे हैं। आप बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करती मैम, और कभी आप ये नाराज नहीं होती, ये सबसे बड़ी अच्छी आपकी क्वालिटी है। जितना बार पूछते हैं लोग उतने बार आप जवाब देते हैं, कभी आप अनसाती नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है आपकी, थैंक बहुत यू अच्छी बात। रेनिका। रेनिका कौन से बैच में थे आप? मैं ये थर्ड है थर्ड बैच चालू है आपकी, राइट? उसके तीसरा है ये मैम सी देखो, हमारा साथ छूटता, मतलब छूटता ही नहीं है नहीं, छूटना ये है, जो है। रहेंगे आप यस यस, हमेशा रहेंगे, हमेशा आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे, कुछ अच्छी चीजें लेकर आएंगे। रेणुका आप मैम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे। जी, एकदम ठीक ठीक, थैंक यू रेणुका, है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। यस कल्पना, मैं आती हूँ आपके पास भी। यस सरस्वती, यस हम सरस्वती से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपको पता है माँ सरस्वती जो है वो विद्या की देवी है। तो यस सरस्वती, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सरस्वती, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं मैम? एकदम फर्स्ट क्लास, कैसे लग रही हूँ? वैसी हूँ। ऑल आप हमेशा अच्छे लगते हो। हाँ सेट, ऑल रेडी? सरस्वती थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन देंगे आप? माय नेम इज सरस्वती, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, और मैं मेकअप में बिल्कुल छोटी बच्ची हूँ, नर्सरी वाली जिसको कुछ नहीं आता था। अब कोई मैम बात नहीं। ने हम बहुत सिखा दिया, और मेरे पास ना पार्लर है ना और कुछ है, बट मैम मैम के लिए मैं कह कोई रही बात थी नहीं, आ रहे तो उनको भी सिखाऊं देखने दो। क्या। हाँ, वो मेरे सबसे हेड वो हैं, उनकी वजह से मैं आज हूँ मैम यहाँ पे। जी यस, फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, वो ताकत होती है हमारी, है कि नहीं? जी, उन्होंने आपका यूट्यूब चैनल देख के उन्होंने बोला कि अभी हाउसवाइफ है तो कुछ करना तो बनता है, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो फिर उन्होंने आपका बहुत पहले से आपको फॉलो करते थे मेरे हस्बैंड मैम जी, तो फिर उन्होंने बोला कि करो, उन्होंने ज्वाइनिंग कराया पहले 20 जून वाले बैच में, फिर मैंने 20 जून वाले क्लास की, फिर मेरे को लगा नहीं अभी तो मैं सरस्वती को तो जानती ये ही आपकी नहीं हूँ। सेकंड बैच है, थर्ड नहीं, ये थर्ड बैच है मैम। बैच है। हाँ, फिर मैंने 2 अक्टूबर वाली भी की। ओ हाँ जी, अभी आपका पेपर दिया मैंने, मैंने ब्राइडल भी किया, लवली लवली सरस्वती, बहुत अच्छा बच्चा है, और बहुत अच्छा। ये थर्ड टाइम है, तो यस, जब सो तक आप अगेन हैं तब वी तक विल। मैं आपके साथ हूँ, अच्छा, सीख आप ये लीजिए। बार बार ऐसे क्यों करते हो? क्योंकि ऐसे लगता है आपको कि और भी सीखना मिलता है, और भी रह गया, अरे और रह गया, ऐसे मन हाँ, जी, नहीं नहीं आप भरा? आ नहीं नहीं आप जब भी क्लास करते हो मैम, कुछ नया करते हैं तो जरूरी है आपके साथ जुड़े रहना। वेरी जी गुड, वेरी गुड सरस्वती, थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक। थैंक यू वेलकम बैक मैम, ही बोलूं मैं। ओके, थैंक यू मैम, लव यू मैम। एंड गुड लक, गॉड ब्लेस।
मुझे ना अभी मैं कुछ जो नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं वो हाथ रेज करेंगे प्लीज, जो उनसे बात करना चाहेंगे पहली बार, फर्स्ट टाइम जो जिन्होंने लिया है। ओके, पूजा भी है। ओके उषा, ओके उषा कैन आई स्पीक टू यू? पूजा मैं आती हूँ आपके पास। गुड यस मॉर्निंग उषा, मैम, वेरी गुड मॉर्निंग उषा, वेरी गुड मॉर्निंग। कहाँ से हो आप? आपके बारे में कुछ बताओ। गाजीपुर यूपी से मैम, अरे वाह, गाजीपुर यूपी से। यस समझ गई, गाजीपुर यूपी, वेरी नाइस। मैम, हेयर क्लास में हूँ मैम। ओके, तो अभी मेकअप भी सीखना है? यस मैम, ऑल सेट, एकदम एनर्जी के साथ, हेयर में यस मास्टर मैम, हो गया, अभी मेकअप में भी होना है, राइट? यस मैम, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है उषा, और आपकी यू आंखें भी मैम। बहुत प्यारी मैम आप भी हमको बहुत प्यारे लगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैम, ओके मैम। ओके ऑल सेट। हाँ, आपको क्यों बनना है मेकअप आर्टिस्ट? एक सवाल पूछूं मैं आपको, मेकअप आर्टिस्ट क्यों बनना है? मैम मेरा एक छोटा सा पार्लर है, तो मैम एंड कम से कम 9 साल से चला रही हूँ मैं, तो थोड़ा ओके, और कुछ, हाँ कुछ फायदा हो इस वजह से मैम, कुछ मतलब ओके, और नया चीज सीखने को मिले मैम। और नई चीज और आगे बढ़े, राइट? यस मैम, राइट ओके मैम, ओके, थैंक यू उषा, थैंक यू सो मच बच्चा, गॉड ब्लेस यू, एंड मैं आपसे बात थैंक यू करती मैम, रहूंगी आगे भी। ओके okay? ओके मैम। हाँ जी, और कौन है? पूजा, पूजा ने हैंड रेस किया था, राइट? पूजा मौर्या, गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड मॉर्निंग पूजा, अरे आपसे बात करने की बहुत इच्छा थी मन में। थैंक यू सो मच, मेरा सौभाग्य है। आपके आपके वीडियो देखते थे, बहुत अच्छा लगता था, मतलब बहुत अच्छी चीजें समझ में आती थी। हमने बहुत जगह पे पैसे इन्वेस्ट कर लिए बट कुछ भी हम लोगों को अच्छी नॉलेज नहीं मिली। अभी अभी रिसेंटली अभी मार्च में हम लोगों ने 45,000 रुपीज दिए थे बट ना हेयर की नॉलेज मिली ना मेकअप की कोई नॉलेज मिली। मेकअप करने तो आता है बट जैसे कि जो एक बेसिक चीजें हम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए वो हम लोगों को कुछ होती ही नहीं है। बस मेकअप ऐसे लिपो दिया, और वैसा मेकअप मुझे करना नहीं है किसी को। मैं चाहती हूँ कि मगर किसी का भी मेकअप करूँ तो मतलब अच्छे से करूँ, कि मुझे किसी का बस प्रॉपर फेस से, मैंने देखा और मुझे समझ में आ जाए कि हाँ मुझे इसके फेस पे क्या करना है। मुझे ऐसी नॉलेज चाहिए थी, और मैंने मतलब जहां मैंने सीखा था पार्लर में, मैंने वहां कहा भी था कि मुझे अच्छे से मेकअप सिखाइएगा, मेकअप की नॉलेज मुझे चाहिए, कि मुझे अपना पार्लर खोलना है, अपना नाम करना है, अपने बच्चों को सिखाना है, बट उन्होंने मुझे अच्छी नॉलेज नहीं दी। बट जब आप लोगों के साथ हम जुड़े और हेयर की क्लास ज्वाइन की, फर्स्ट टाइम तो आपका जब 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर वाला चालू हुआ था तो कभी ऑनलाइन क्लास की नहीं थी, तो बहुत हेजिटेशन सी थी कि मतलब कैसे करेंगे, पता नहीं कहीं पैसे होगा फंसेंगे कि नहीं या होगा। होगा नहीं होगा, तो नहीं किया। मतलब बहुत डाउट्स में चल रहे थे, फिर नहीं किया। फिर 2000 वाली जब सर की क्लास आई तो सर की क्लास किया बट अच्छी नॉलेज मिलने लगी, तो फटाफट फटाफट आधी क्लास ज्वाइन कर ली, जल्दी से कर लेते हैं नहीं तो पता मैम ओके गायब हो जाएंगी। तो बस इसलिए आपका क्लास फटाफट ज्वाइन कर लिया, और बहुत खुशी, मतलब पूरे जब से मतलब आपका सुन के रखा है उसी से वेट कर रहे थे कि कभी क्लास चालू हो और कभी आपसे मिले, कभी मिले। मतलब एक एक टाइम, अभी आज का तो एक एक टाइम गिन रहे थे कि अभी 8:30 बजेंगे, अभी मैम आएंगे, अभी मैम आएंगे। थैंक वो गॉड कि आ आप। हाँ गई बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, मतलब इतनी खुशी और इतनी नर्वस हो रही कि बोल भी नहीं पा रहे ठीक से कि कैसे आपसे आई मिल कैन गए। मेक आउट, मुझे वो दिख रहा है। एंड और थैंक यू सो मच इतना प्यार और रिस्पेक्ट के लिए। हाँ आगे जब से आपकी बात हो जर्नी, ये रही, जो है मेकअप की जर्नी, बहुत धमाल होने वाली है। बस यही बिल्कुल बोलूंगी कि बिल्कुल, आप लोग जो मैं बता रही हूँ या जो भी इस क्लास में हो रहा है, आपके मेंटोर्स भी बता रहे हैं, जो जो भी हो रहा है वो एकदम छोटी छोटी बारीकी से ध्यान रखना और उसको नोट डाउन कर। ओके यस मैम, जितना यस हो सके मैम, उतना नोट डाउन करना, एंड उसको अच्छे से, आप देख रहे हो यहाँ पे स्टूडेंट्स दो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम बैच कर रहे हैं। व्हाई आर दे डूइंग? इसलिए नहीं कि उनको पहले कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए कि उनको पता है कि हर बार कुछ कर रहे हैं तो कुछ नया समझ में आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, इसलिए
मैं आपको तभी से बोल रही हूँ कि पहले से अभी स्टार्टिंग से ही आप लोग छोटे छोटे पॉइंट्स जो है अपने नोट डाउन करना, उसको लिख के रखना ताकि आप लोगों को आगे प्रॉब्लम नहीं आए। आप लोग वो एकदम अच्छे से उसको फॉलो करोगे एंड यू विल सी यू विल गेट द रिजल्ट। आपको जो रिजल्ट चाहिए ना वो आपको मिल जाएगा अगर आप अच्छे से प्रॉपर उसको फॉलो करोगे तो। नहीं, हम आपके साथ, हमें पूरा भरोसा है कि आप हमें बहुत अच्छा सिखाएंगी, पूरा ट्रस्ट है हमें आप पे और हम थैंक यू बच्चे, सीखेंगे। थैंक यू। थैंक यू यस मैम। यस, ये मुझे चाहिए कि यस हम सीखेंगे, ठीक जी है ना। बिल्कुल। मैं यहाँ से गारंटी दे सकती हूँ कि ओके हम अच्छा बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन आप अच्छा सीखोगे नहीं इसकी गारंटी आपको देनी है। एंड मुझे पता है मेरे सारे स्टूडेंट्स, मेरे सारे जो बच्चे हैं वो मतलब मुझे कोई बोलने का मौका नहीं देते, कोई शिकायत करने का मौका ही नहीं देते। आई कैन सी हाउ मच दे पुट इन एंड कितना वो लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड इट मेक्स मी वेरी वेरी प्राउड। थैंक यू मैम। चलो थैंक यू पूजा एंड गुड लक एंड गॉड ब्लेस। ओके, थैंक यू मैम। और कौन बात करना चाहता है? प्रीति? ओके ओके प्रीति, दो दो प्रीति है, दो दो, एक तो प्रीति कुमारी एंड प्रीति, ओके 1 मिनट ना, प्रीति कुमारी जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। हाँ जी प्रीति, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग प्रीति। मैं आपकी क्लास लेने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। सर की भी क्लास लेने के लिए मैं आपको काफी टाइम से फॉलो कर रही थी। मैंने एक्चुअली हेयर का यूके इंटरनेशनल से किया था कोर्स, तो उसमें मुझे वहां पे समझ नहीं आ रहा था। मैंने आपका देखा था यूट्यूब पर, मैंने आपकी हेयर साइंस की थ्योरी देखी, आपका बहुत अच्छे से समझाया आपने, मैंने उसको नोट डाउन किया, नोट्स बनाए आपके, उससे मैंने एग्जाम दिया। मुझे हेयर साइंस में भी हेयर की काफी सारी नॉलेज थी उसमें, देखी मुझे मिला, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत हो वेरी रही थी गुड, कि मैं आपकी क्लास लूं। मैं भी अब आई एम ये, सो। आप हाँ जी कहाँ से हो प्रीति, कहाँ से हो आप? मैं हरियाणा से, यमुनानगर से हूँ। आपको पता है आप कितने क्यूट हो, आप बिल्कुल छोटे थैंक्स बच्चे जैसे लग रहे हो और इतने क्यूट लग रहे हो ना है ना, थैंक्स। बहुत क्यूट है ना, है ना? यस ही सब लोग बोल रहे हैं, हाँ थैंक यस। ओके प्रीति, आपको मेकअप क्यों सीखना है? मैं मेकअप इसलिए, मेरे को इंटरेस्ट है मेकअप सीखने का, कुछ ये था। मैं भी मैं आप मेरी डॉटर से कभी मैं आपको मिलवाऊंगी, वो अभी है नहीं, तो उसको भी बहुत शौक है मैम मेकअप का। अभी कितने वो साल फोर की है? इयर्स की है, 4 इयर्स की है, अभी उसको इतना इंटरेस्ट है। आई यस मैम, अभी उसके ना 30 दिसंबर को उसके स्कूल में फंक्शन था, इतनी एक्साइटेड थी वो, मम्मा मुझे मेकअप किट लेनी है, मुझे मेकअप का सामान लेके दो, कब चलोगे आप? सो स्वीट सो स्वीट, कोई नहीं, थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी तो उसे मेरे पास भेज देना, वो मैम आ मैंने ये जाएगी मेरे सोच साथ और रखा है, पूरी ट्रेन हो जाएगी। मैंने ये पक्का सोच रखा है। मैं अपने फ्रेंड लोगों से सबसे कहती हूँ, मेरी डॉटर को इसमें इंटरेस्ट है ना मैम, अभी मैं बैठूंगी ना, अगर मैंने जूड़ा बना रखा है, क्लस्टर लगा रखा है, मम्मा आपका मैं हेयर स्टाइलिंग, लेटेस्ट हेयर स्टाइल करती हूँ आपका। वेरी नाइस, ओ सी हमारी फ्यूचर हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट ऑलरेडी आपके पास में है, यस मैम, सो मैंने सोच रखा है, मैं अपनी फ्रेंड से बोलती हूँ ये बड़ी हो जाएगी, इसका इसमें इस लाइन में अगर इंटरेस्ट रहा बहुत ना, अच्छा तो मैं बहुत इसको अच्छा, कंफर्म ले दूंगी मैम। पक्का जरूर। यस मैम, ओके ओके मैंने प्रीति, आपका, यस हाँ मैम, क्या आपको, सॉरी सॉरी बोलिए। नहीं सो मैम, मैं यही था, मुझे अभी तक यही था कि मैं किसके ऊपर मेकअप करूंगी, किसके ऊपर करके दिखाऊंगी, कुछ ऐसा हो, कोई होना चाहिए मेरे पास। मेरे पास यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे नेबर में, मैंने आज ही रजिस्ट्रेशन करवाया, मैंने सर से कल बात करी थी, मुझे कोई मिला, सर ने कहा कि फिर अब आपको नहीं है तो फिर मत करो, ये आपके लिए है। फिर मैंने नेबर में किसी से, एक से भाभी से पूछा कि आप मेरी हेल्प करोगे, मुझे ऐसे ऐसे करना है, तो वो बोले कि हम हर रोज आ जाया करेंगे आपके पास। सो स्वीट सी, कितने अच्छे हैं यस आपको, सी कोई भी नहीं है तो आप खुद हो, ओके आप खुद के ऊपर कर सकते हो और किसी को भी, आप जो अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जैसे जैसे सीखोगे ना तो यस आप मैम, खुद फिर है ना किसी को भी आप देख के यू नो ट्रायल थोड़ी देर के लिए, या यू नो आप जब अंडरटोन मैच कर रहे हो, फेस शेप देख रहे हो, फिर बेस यस मैम, मिक्सिंग कर रहे हो, तो यू कैन जस्ट गेट एनीवन, कोई भी उम्र की ये नहीं है, कोई मेल भी हो, आपका भाई हो, आपके कोई भी यू नो आपके हस्बैंड हो, कोई भी मैम हो, हस्बैंड रिश्तेदार हो, सॉरी हस्बैंड सॉरी, एक्सपायर हो गई हैं, ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो इट्स सॉरी, ओके मैम।
वो मैं सिंगल मदर हूं मैम। तो देन यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, यस लव टू यू, लव टू यू। सर, थैंक ओके सो आप ले लेना, किसी की भी हेल्प ले लेना। ओके यू आप खुद पे कर सकते हो, आप शीट्स पे कर सकते हो। ओके आई विल टेल यू कि क्या करना है कैसे करना, ठीक है? ओके मैम। यस थैंक मैम, ओके यू प्रीति, एंड गॉड ब्लेस यू, एंड वेलकम टू सेवेंजर्स। यस थैंक यू। यस प्रीति कुमारी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग प्रीति, कैसे मैं ना हो? पहले से अच्छी हूँ मैम। मैं पहले से ही सोच रही थी ज्वाइन करने के लिए। पिछले बार ही मैंने 5,000 के जो थे ना ऑफर निकले हुए, उसी में सोची थी मैं, मगर टाइम के शेड्यूल के कारण मैं नहीं कर पा रही थी। कोई क्योंकि बात नहीं, अभी सुबह कर लिया। 11 o'clock से लेके 8 o'clock तक सैलून में जाती हूँ, तो उधर ही दिन भर चले जाते हैं। अभी हेयर का मैंने ले रखा हेयर कलर और ये केमिकल का, उसमें मैं 1 घंटे बस टाइम निकाल लेती हूँ, नहीं तो फिर म्यूट करके मैं ऐसा देखते रहती हूँ वीडियो, जो भी कॉल रिकॉर्डिंग जो रहते हैं ना वो सारे देखते रहती हूँ बस। उधर वेरी गुड। टाइम चले जाते हैं ना, इसके मेकअप वजह से मैं आर्टिस्ट क्यों ध्यान बनना नहीं है कर पाती। आपको? मेकअप इसीलिए ना आर्टिस्ट ये टाइमिंग, अभी आप बोल रहे हो ना टाइम, इसीलिए मैंने ये टाइमिंग रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग यू नो अपना काम करके, अपने जो भी हाँ वर्किंग है, वो लोग भी आके आराम से घर पे बैठ के फिर देख सकते हैं, काम देख कर सकते हैं। ओके इसीलिए हाँ मैं जब ये टाइम टाइमिंग का रखा। देखी थी ना, तो मैं यही सोची थी कि जिन जिन जो भी अपने वर्क में कर रहे होंगे ना, उनको फ्री हो जाएंगे इस टाइम तक, आराम से वो ले सकते हैं ये कोर्सेज। उसके लिए थैंक यू यस मैम इस टाइम निकालने के लिए। बहुत मैं वेलकम खुश हूँ मिस। कि ये टाइम मुझे आपसे मिले क्लास करने के लिए। मैं आपके एकेडमी में आकर सीखने की मेरी बहुत दिन से इच्छा है, मगर मैं नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम हो जा रहे हैं थोड़े। कोई हमारी बात मम्मी नहीं, का जब तबियत जब जब ठीक जो रहती है। जो होना होता है तब तब हाँ सो सो होता है वो मैं उसी पे चलती ना? हूँ कि जो होना यस रहेगा सो वही जस्ट होगा, स्टार्ट। हाँ जो नहीं होना रहेगा वो भी नहीं होगा, जो बस उस पे ही तो हो डिपेंड गया, है। हाँ अभी ऐसे तो हम मिल रहे हैं ना, है कि नहीं? अपॉर्चुनिटी तो, वो उसके अपॉर्चुनिटी लिए तो मैं, आई है, बस हाँ अभी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम यस। कि आप। ओके ओके मेक, जितना ओके इससे आप सीख सकते हो ना सीख लो, लूट लो। हाँ ओके मैं पूरी कोशिश करूंगी। अभी ओके कहाँ से हो प्रीति? मैं बिहार गया से हूँ मैं। गया से? ओके वेरी नाइस। ओके प्रीति ऑल सेट। ओके ऑल आपको सेट मेकअप मैम। आर्टिस्ट क्यों बनना है? सॉरी मुझे पूछना था, आपको मेकअप आर्टिस्ट क्यों बनना है? मेरे को इसलिए बनना है कि मैं खुद से ऐसा, मैं किसी को करती हूँ ना तो मैं सर्टिफाइड नहीं हो पाती हूँ, और मैं किसी को ट्रेनिंग भी देना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ से सीखा है, तुम भी ये कोर्सेज करो, बहुत बेनिफिट रहेंगे इस लाइन की, बहुत आगे तक रेफरेंस रहेंगे कि आप आराम से इस जॉब में काम कर सकते हो। मेरी मोटिव यही है मैम कि मैं वेरी गुड खुद प्रीति, को मैं टैलेंटेड करूँ, मैं औरों को भी करूँगा ऐसा। वेरी नाइस। तो खुद पहले काबिल बनू और मैं और बाकी इसीलिए सबको मैं भी। पहले कर रही हूँ, फिर उसके बाद मेरे 2-3 और हैं, कजन भी है और फ्रेंड भी है, उन लोगों को भी मैंने सोचा है कि सिखा रेफरेंस करूँ, देना, उन्हें सिखाऊँ मैं। वेरी नाइस बच्चा, वेरी नाइस। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू वेलकम, मैम। एंड नाउ बी रेडी फॉर द धमाला। यस मैम। ओके ओके वेलकम थैंक यू मैम। बेटा, वेलकम। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट कौन बात करना चाहता है? सीमा, यस सरस्वती, यस सुजाता, आपसे भी बात करूंगी। दोनों दोनों हाथ हुए से रेज करके, सीमा एनम्यूट करो ना। सीमा गुड मॉर्निंग नजरा, देखो हो हेलो गया। हेलो साक्षी। हाँ जी गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग सीमा, वेलकम मैम बैक। आप मैम आपको पहली बार देख रही हूँ। जी पहली बार देख रहे हो? सामने देख, कितना एक्साइटेड हूँ देख के आपको, बहुत खुशी हो रही है। पहली बार देख रहे हो? मुझे तो नहीं लगा आपने मैम पहले ऐसे बैच कर। ऑनलाइन
ऑनलाइन ऑनलाइन सामने सामने एकदम जी। हाँ ओके बाकी यूट्यूब पे तो आपको देखते हैं हमेशा हमेशा देखते हैं। मेरा थर्ड ओके वॉइस है, थैंक थर्ड थैंक यू वॉइस सो मच। सीमा कहाँ से हो आप? है। मैम हम प्रयागराज से, प्रयागराज से? इलाहाबाद। इलाहाबाद। इलाहाबाद जी मैम। अरे वाह वेरी नाइस, बहुत अच्छे। और आपको मेकअप आर्टिस्ट क्यों बनना है? मैम मेरा छोटा सा पार्लर है, उसको बड़ा करना चाहते हैं इसलिए। और आपका इसीलिए करना, मेकअप पार्लर को बड़ा करना है इसीलिए। जी मैम, और आपका ओके पार्लर जो आप सिखाते हो ना मेकअप, हम देखे हैं यूट्यूब पे, बहुत कमाल के हैं, बहुत अच्छे हैं। हमें लगा हम भी उसी तरह से बस सीख ले थैंक यू आपकी सो तरह। मच। ये जितनी भी नॉलेज हमारे पास है वो आपसे शेयर की जाएगी, और मैम आप लोग, मैं उम्मीद रखूंगी कि आप लोग मुझसे भी बहुत अच्छा काम करो, मुझसे भी आगे बढ़ो, मुझसे भी बहुत अच्छा काम करो, ताकि मैं ऐसे देखूं ना आपको तो ऐसे बोलूं कि अरे भाई ये मेरा बच्चा है। ओके एंड आई एम जी, वेरी प्राउड आप और सबको, कुछ कभी किसी काम को स्टेज पे काम करते हुए, कभी किसी सेलिब्रिटी के साथ काम करते हुए, या फिर किसी एक खुद एक ब्रांड बनते हुए, जब भी मैं देखूं तो ऐसे प्राउडली बोलूं कि यस जी ये बच्चा मेरा है। मना बहुत सुंदर थैंक यू सो मच। आपका प्यार है जो मुझे सुंदर बनाता है, पता है आप लोग ही एनर्जी हो। मेकअप में ना, मेरा मेकअप में थोड़ा मेरा डाउट जो है ना आपसे क्लियर करना है, इसीलिए हम आपसे जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे सारे हमेशा, डाउट्स पूरे क्लियर होंगे, सारे डाउट्स। लाइफ जुड़े रहेंगे मैम यस आपसे पूरे लाइफ। एक माँ सामंजस्य से जो जुड़ता है ना वो हमेशा के लिए जुड़ जाता है। अभी ओके हमने सर से कभी तो भी क्लास नहीं, आप लिया। देख रहे हो, आप देख हाँ रहे हो जी है कि मैम, नहीं? सर से क्लास लिया था हमने कटिंग का, हेयर कटिंग का, और आपका केमिकल का, कलर का वो भी कर चुके हैं। ओके हाँ ओके, तो हेयर की क्लास आपने ली थी पहले? थैंक आपकी जो यू थ्योरी थैंक है ना कलर वाली, बड़े कमाल की थी थ्योरी आपकी। यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सीमा, गॉड ब्लेस यू एंड वेलकम एंड बी रेडी। थैंक यू मैम। ओके चल ओके जसप्रीत, मैं बात करती हूँ आपसे भी नेक्स्ट, जो पहली बार है, जो पहली बार क्लास कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम। ओके यस रोजा बर्नाली, यस आई विल स्पीक टू यू टू। हाँ सर 1 मिनट रोजा, वेट 1 मिनट, क्योंकि सरस्वती वॉज वेटिंग बहुत पहले से, जस्ट वेट। ओके हैव पेशेंस, मैं सबसे बात करूंगी। आज थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ही करने वाले हैं। ओके और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों को क्या क्या प्रोडक्ट्स अरेंज करके रखने हैं आगे की क्लास के लिए। ओके वो आप लोग नोट डाउन कर लेना बाद में, लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग एक दूसरे को जान ले, है ना, पूरी जर्नी जो हमें करनी है। सो वी विल जस्ट नो इच अदर अ लिटिल बिट, ठीक है, ताकि मैं समझूं कि आपके मन में क्या है और आप क्या चाहते हो, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है, और थोड़ा सा मैं अपने एक्सपेक्टेशंस भी आपको बताऊं कि आपके मुझे क्या चाहिए आपसे, ताकि ये जो है क्लास, ये जो टाइम हम एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं, ये सबसे बेस्ट हो, सबसे फ्रूटफुल हो, राइट? है कि नहीं? एवरीवन रेडी ना? यस यस सरस्वती, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सरस्वती, कहाँ से हैं आप? मैम झारखंड रांची से बोल रहे हैं। झारखंड रांची से? अरे वाह, और बताइए अपने बारे में सरस्वती। मैम मैं पार्लर चला रही हूँ 10 साल से। मैम ओके okay. मेकअप में मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ मैम। बहुत कंफ्यूज रहते हो, कोई जी बात नहीं, मैम अभी आपकी सारी कंफ्यूजन्स जो है वो दूर होने वाली है, ठीक है, बहुत जी अच्छा मैम, काम करने वाले हो। आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना क्यों था लेकिन? हमको मेकअप करना बहुत अच्छा लगता हाँ मैं है। इतनी यस देर से इसी आंसर के लिए वेट कर रही थी, मैम, मैं कब से पूछे जा रही हूँ सबसे कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट, दिस इज द आंसर आई वाज लुकिंग फॉर। ये आंसर, ये जवाब मुझे चाहिए था कि मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है। ओके यस सी, कोई भी चीज जब हम पैशन से करते हैं, जब वो चीज करते हुए अच्छा लगता है ना, तो वो अपने आप अच्छी हो जाती है, फिर अपने आप
फिर पार्लर भी बड़ा हो जाएगा, फिर बहुत ज्यादा कमाओगे भी, फिर अपने पैरों पे खड़े भी होंगे, फिर औरों को भी हेल्प करोगे। लेकिन सबसे पहले क्या चीज है कि जो चीज हम कर रहे हैं वो अच्छी लगनी चाहिए, वो करते हुए मजा आना आना चाहिए, है कह रहे, है ना? तो फिर पैसा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि जिस चीज में इंटरेस्ट हो ना, जिस चीज में जो करने में मजा आता है ना, तो अपने अपने तरफ से ना एफर्ट ज्यादा डल जाते हैं उसमें। तो जब हम ज्यादा एफर्ट डालते हैं, अपने आप वो काम अच्छा हो जाता है, और अच्छे काम का नतीजा क्या होता है, सक्सेस अपने आप आएगी, पैसा अपने आप आएगा, है कि नहीं? सो दिस इज द आंसर सरस्वती आई वाज लुकिंग फॉर। मैं सबसे पूछ रही हूँ कि क्यों करना है आपको, आपको क्यों करना है मेकअप आर्टिस्ट? ये जवाब मुझे चाहिए था कि मुझे अच्छा लगता है मेकअप कर। वेरी गुड थैंक सरस्वती, थैंक यू यू। मैम। ऑल रेडी देन, रेडी टू रॉक? यस मैम। यस, ओके सरस्वती, थैंक यू सो मच। अभी मुझे पता है, अभी सब आगे वाले सब यही जवाब देंगे, हाँ मुझे अच्छा लगता है तो आई नो। अभी मैंने बोला ना, तो यू विल ऑल से कि हाँ नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। यस नीतू, हाँ जी रोजा, रोजा आपके ऊपर कितना सुंदर गाना है, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स जो थैंक यू आपके सो नाम के मच ऊपर है। यस मैम, यू आर सच अ ब्यूटीफुल। आई थिंक आज भी मैंने आपसे बात की है, हेयर क्लास में भी आपसे बात तो हुई थी, पर नहीं लगता था उस टाइम पे, पर आज कुछ आप खास ही हो जैसे लग रहा है। थैंक यू सो मच, आपका प्यार है जो मुझे खास बनाता है। आई थिंक 3 मंथ तक तो हम लोग को तो आपसे ना इतना प्यार हो जाएगा कि लाइक हम लोग साथ मेकअप में तो इस टाइम पे हम लोग कुछ अलग ही कर लेंगे। आई एम श्योर, आप लोग अगर दिल से आप लोग सीखोगे और दिल से काम करोगे ना, यू आई प्रॉमिस यू यू विल रीच दी स्काई, आई प्रॉमिस, ये मेरा प्रॉमिस है। बिकॉज आई हैव सीन, मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो भी बच्चे जिन्होंने पूरा का पूरा उसमें जान डाली है, उसमें आप ये काम करने में और ये सीखने में, वो लोग बहुत आगे गए हैं, एंड दैट मेक्स मी सो सो प्राउड। सो यस, आप लोग बहुत आगे बढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छा काम करने वाले। अब हम भी 10 साल हो गया करते करते, पर मेकअप में जितना एक तो जो जान होती है ना मैम, वो नहीं डाल पा रहे थे। मतलब मैंने थ्योरिटिकल पार्ट इतना ढेर सारा किया है, मतलब कहीं से मेकअप भी सीखा है, पर थ्योरिटिकल में बहुत स्ट्रांग है, पर प्रैक्टिकल मेरे से नहीं। मतलब आई एम स्लो लर्नर आई कैन से, और प्रैक्टिस उतना नहीं कर पाते आदमी लोग, नहीं मतलब लड़की लोग दे रहती है, तो इसलिए। पर मुझे अपने में खुद में मेकअप करना अच्छा लगता है, पर क्या होता है कि जब आपको कुछ स्टार्टिंग से नहीं आता है ना, तो हम लोग नहीं कर पाते, एनर्जी नहीं आता। एक दिन करेंगे कुछ ठीक रहेगा, फिर कल वही हो जाएगा कि नहीं नहीं करना, हाँ नहीं जो नहीं नहीं आएंगे ये उससे चीज आपको करेंगे। बिल्कुल नहीं करनी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर ऑनेस्ट कि आप ये बोल रहे हो, आप बता रहे हो कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना ही पड़ेगा। एंड आई विल टेल यू, आप कोई भी नहीं मिले ना, तो खुद पे भी मेकअप कर सकते हो। यू हैव गॉट सच अ ब्यूटिफुल फेस, यू हैव गॉट सच ब्यूटिफुल फीचर्स, आपके ऊपर कोई भी मेकअप हो सकता है। ओके सो कोई नहीं मिले ना, तो खुद पे करना ही है आपको। एंड ये धीरे धीरे जैसे जैसे पता चलेगा ना, आपको देखेंगे देखेंगे तो अपने आप आ जाएंगे। आप लोग फिर बुलाओगे ना कि यार मुझे प्रैक्टिस करनी है या मैं मेकअप कर दूं क्या, अपने आप आ जाएंगे। ओके एंड डेफिनेटली आपको ये है कि कभी भी मायूस नहीं होना। ओके गलतियां होती हैं, गलतियां होने वाली हैं, ठीक है? एक पॉइंट यहाँ इसमें भी आएगा, क्योंकि आपको एक बात बताऊं, मैं ना जीरो से स्टार्ट कर, आई विल नॉट टेल यू कि हाँ इसको ये आया ये लगाओ, उसको आया वो लगाओ, उसको ऐसा करो, ये इसके लिए ये लगाओ, आई विल नेवर टेल यू दैट। ओके आई विल टीच यू टू सिलेक्ट योर सेल्फ कि अगर ये ऐसा है तो मैंने क्या लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए या क्यों ये चीज नहीं करनी चाहिए, ये आपको सोचने में मजबूर करने वाली हूं मैं। ओके
मैं आपको सीधे आंसर्स मतलब सीधा सीधा ऐसे नहीं दूंगी कि हाँ ये आया ना तो इसको ये लगा देना, ये ऐसा फेस आया ना तो इसको वो लगा देना. नो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू दैट वे. मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं आप लोगों को खुद सोचने पे मजबूर करने वाली हूँ, तो बी रेडी फॉर दैट. ओके, एक टाइम ऐसा आएगा यस कहीं पे आप लोग है ना रोगे कि यार मैम मुझे नहीं समझ आ रहा ये, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मुझे ना अंडरटोन समझ आ रहे, ना ये समझ आ रहा, ना मिक्सिंग समझ आ रहा. ये आएगा, ओके, ये फेज आएगा. तो डू नॉट बी यू नो मायूस नहीं होना, डू नॉट बी सैड. ये फेज मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि आने वाला है, लेकिन उसके बाद जो आपको काम आएगा ना, आपके सामने कोई भी फेस हो, आपके सामने कोई भी प्रोडक्ट हो, आपके सामने कुछ भी लाके रख दे, आप लोग अच्छा मेकअप कर पाओगे. ओके, सो एक चीज हमेशा याद रखना कि मायूस नहीं होना, खुद को मोटिवेटेड रखना. अगेन मैं ऐसा खाना खिलाना नहीं सिखाती. ओके, मैं आपको ऐसा खाना नहीं देने वाली, लो लो ऐसे करके मैं बिल्कुल नहीं देने वाली. ओके, मैं आपको ऐसे खाना को खाने सिखाऊंगी, ऐसे. ओके, कैसे? ऐसे करके. फिर बाद में जब आप एक्चुअल खाना खाओगे तो आपके लिए ये इजी होगा ना, है ना? ये इजी होगा कि ये इजी होगा फिर, है ना? राइट, सो बी रेडी फॉर दैट. ओके, इन डेप्थ एकदम छोटी छोटी बातें हैं जो आपको वैसे लगेगा अरे बाप रे हम तो क्या साइंस क्लास में आ गए या कौन सी क्लास में आ गए, हम क्या कर क्या रहे हैं. ओके, बी रेडी फॉर दैट, बी रेडी फॉर दैट. ओके, सेट, यस यस एंड बी मोटिवेटेड. ओके, ऑलवेज बी मोटिवेटेड, क्योंकि मैं रोज पूछने वाली हूँ ये किया कि नहीं किया, वो किया कि नहीं किया, दिखाओ. यहाँ पे आप मेरे सामने करके देख दिखाने वाले हो, आपके मेंटोर जो है वो आपका हर काम चेक करने वाले हैं, इतना याद रखो. ऐसे इजीली नहीं छोड़ने वाले हैं कि अरे नहीं हो रहा तो ठीक है, ओके, ठीक है. सो बी रेडी फॉर दैट. हाँ, अभी आप लोगों को ऐसे नहीं होगा कि ऐसे बैठे हैं सोए हैं मस्त आराम से ऐसे लेट के देख रहे हैं क्लास. नो, ये क्लास वैसी नहीं है. ओके, आपको सीधा होके अलर्ट होके पूरी जान डालनी होगी. आई नो सुबह से आप लोग थके हुए होंगे, इसीलिए मैं आपको आते ही गुड मॉर्निंग बोलती हूँ ताकि आप लोग उठ जाओ, से जाओ जाओ, जो भी है ना थकावट वगैरह सब हटा के निकाल के बाजू में रख के आगे बढ़ने की तैयारी करो. ओके, सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस क्लास. बी रेडी फॉर दैट. वो जोश मुझे आप में चाहिए, वो कमिटमेंट आप में चाहिए, मुझे आपसे चाहिए. ये सारी चीजें आपको करनी होगी. एंड कोई फिर ये नहीं कि अरे मेरा आज सर दर्द दुख रहा था, मैं तो आज नहीं मैडम, मैं आज नहीं आई, क्यों मेरे सिर दर्द हो रहा. कोई नहीं, सिर दर्द की भी गोली है. ओके, बुखार की भी गोली आती है ना, बाकी हर चीज की गोली आती है, हर चीज की दवाई आती है. राइट और रॉन्ग, सक्सेस की यस दवाई आती है क्या? सक्सेस के लिए नो दवाई आती है क्या? आती है ऐसे एक गोली खाओ मिल गया सक्सेसफुल, आ सक्सेस मिल गया, आती है ऐसे कोई नो गोली? नहीं आती. ओके, उसके लिए एक एक स्टेप हमें काम करना पड़ता है. ये बड़े बड़े लोग जो इतने सक्सेसफुल होते हैं ना, वो ऐसे यू नो बैठ के रोके ये करके नहीं होते. आप लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे ही होंगे, है ना, है कि नहीं? सो यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू गिव इन एवरीथिंग अगर आपको 100% चाहिए इस कोर्स से. रेडी टू गिव इट? हंड्रेड पक्का? परसेंट 200%, ऐसे करके बोलो यस मैम, यस दैट्स द डेफिनेटली। स्पिरिट. ओके, रोजा कहाँ से हो आप? नेपाल से हूँ मैम। नेपाल से? अरे वाह, लवली, नेपाल से और स्टूडेंट्स आए हैं, वेरी गुड. रोजा, हम आएंगे वहां पे तो आपसे जरूर मिलेंगे, आप दिखाना फिर हमें नेपाल, ठीक है? वी वुड लव टू मीट यू मैम। थैंक थैंक यू यू, गॉड थैंक ब्लेस यू. थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट.
नेक्स्ट 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 कौन है कौन है कौन है कौन है बर्नाली। ओके चलो वो गुड नाइस मॉर्निंग था मैम। पहले के दिन। गुड मॉर्निंग बर्नाली, यस हाउ आर मैम, यू? आई एम गुड मैम, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आप कैसी हैं मैम? सुपर बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यस एब्सोल्युटली यस मैम, अमेजिंग। ओके बनाली एक मैम मिनट। आपका, यस शमा यस गुड मैम, मॉर्निंग। हाँ जी बोलिए। यस बनाली। यस मैम, मैम आपसे मिलना और आपसे बातें करना एक अलग सी पॉजिटिविटी आती है। और मैं वेट कर रही थी लास्ट 2 इयर्स से कि आपके मतलब मेकअप कोर्स करूं, और वो सारी चीजें जो आपने हम लोगों को मतलब यूट्यूब में हम लोगों ने देखा था, वो सारी मतलब नॉलेज मैं आपसे मतलब और डिटेल में लूं। तो आई वॉज सो एक्साइटेड टू ज्वाइन योर कोर्स, मैं वेट कर रही थी। तो आज फाइनली मुझे ये मौका मिला कि मैं आज पहली बार क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। और मैम आप मेरे लिए वो प्रीशियस खोज है जिनको मैंने यूट्यूब में मैंने पाया। और मुझे आज वो सारा जो मेरे अंदर का डर था कि पता नहीं ये मेकअप में कर पाऊंगी कि नहीं, ऐसा था। मतलब मेकअप तो करना हर किसी को अच्छा लगता है, हर लेडीज, ऐसी कोई लेडीज ही नहीं होगी कि जिन्हें मतलब सजना संवरना अच्छा नहीं लगता होगा। तो उनमें से मैं भी हूँ कि मुझे भी अच्छा लगता था, लेकिन मुझे कोई ऐसी नॉलेज नहीं थी कि मैं कैसे ये करूँ। जो सिंपली हम लोग अपने आप को संवारते हैं तो वो नॉलेज हम लोगों को होती है, लेकिन अगर एज ए मेकअप आर्टिस्ट अगर हम लोग इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें मेरी कॉन्फिडेंस नहीं थी, डर था। तो मैं कैसे आगे बढ़ूँ, तो बहुत डर था। तो आपसे मिलने के बाद और फेमिन जैसे जुड़ने के बाद मुझे बहुत सारा मतलब कॉन्फिडेंस आया। और अब मुझे मतलब जी आपके जितनी भी थ्योरी क्लासेस आप इतनी अच्छी तरह डिटेल नॉलेज देते हैं, ऐसा कोई भी शायद और दे पाएगा, मतलब मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि नहीं है अभी तक का, कोई थैंक यू। भी नहीं है और नहीं होने वाला। और मैम मेकअप कोर्स जो है ना, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग अगर डिटेल नॉलेज अगर पूरी तरह से अपने आप में भर ले तो हमें वो डर भी नहीं रहेगा, वो कॉन्फिडेंस भी आएगी, और फिर हम लोग एक राइट क्वालिटी वर्क क्वालिटी सर्विस हम लोग अपने क्लाइंट को दे पाएंगे। और ऐसे भी है कुछ लोग जैसे कि बजट में वो लोग मेकअप करवाना चाहते हैं, ब्राइडल अगर हम लोग बात करें तो उसमें ऐसे भी लोग होते हैं जिनको स्किन इश्यूज होते हैं, किसी के यस मीडियम टोन होते हैं वगैरह, कोई बहुत सारे उनके फेस को रिलेटेड मतलब इश्यूज होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं इस फील्ड में आगे आगे बढ़ ही रही हूँ, बढ़ना चाहती हूँ, मेरे सपने हैं, तो मैं उन सब एरर्स को मैं रेक्टिफाई कर पाऊँ और अपने आप में वो कॉन्फिडेंस भर पाऊँ कि मैं अपने बाद में इन फ्यूचर मतलब कि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आए कि मैं उनको एक अच्छा सर्विस, क्वालिटी सर्विस दे पाऊँ मैम। तो वो मुझे आप ही से मतलब मिला, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि आपसे बात करने का मौका भी मिल रहा है और सीखने का मौका भी मिलेगा अभी बहुत सारे, आगे बढ़ने का मौका। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच थैंक यू कि आप मुझे बर्नाली। मिली। और ये जो आपकी सोच है ना वो बहुत अच्छी है कि आपको करना है कुछ आगे, आपको दूसरों के लिए भी करना है, खुद के लिए भी करना है। दैट इज एन अमेजिंग अमेजिंग थॉट। एंड इसको पकड़ के रखना, ये जो जोश है ना, ये जो आपने अभी मन में ठान लिया है ना, उसको यस भूलना नहीं। मैम, ओके क्योंकि हाय बिल्कुल लो मैम, हमेशा आता है कि नहीं? कभी हम सोचेंगे यस कि मैम, अरे नहीं थक गए या थोड़े से मायूस हो गए, कोई बात नहीं। ओके करना है। यस एंड यस आपको अभी आपने जो बोला कि बेझिझक मैं कोई भी सामने आ जाऊं तो मैं कर पाऊं काम बिना डर के यस कि मैं मैम, क्या करूं कैसे करूं। यस ये आप करने वाले हो क्योंकि अभी जो एग्जाम हुई परसों एग्जाम थी पिछले वाले बैच की, एंड यू वोंट बिलीव जिन्होंने कभी भी मेकअप नहीं किया था उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर ब्राइड्स तैयार करी है ना, इतनी सुंदर सुंदर ब्राइड्स तैयार करी है। आई वॉज फीलिंग सो सो प्राउड। आप लोग अभी देखोगे, अभी यूट्यूब पे आएगा उनका काम तो यू विल सी कि उन्होंने कैसा काम किया है। अमेजिंग अमेजिंग वर्क। ओके तो आप लोग भी ऐसे ही सीखने वाले हो, ऐसे ही काम करने वाले हो, इसका मुझे बहुत अच्छे से आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है कि आप लोग एकदम अच्छा काम कर रहे हैं। यस मैम, फुल एनर्जी भर के मतलब अभी आगे बढ़ना है। थैंक यस ओके यू बर्नाली, सो थैंक मच यू मैम, बच्चा, एंड गॉड ब्लेस यू एंड वेलकम कल्पना। कल्पना राइट कल्पना, कल्पना राइट। हेलो मैम, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, नमस्ते मैम, नमस्ते। अच्छा कहाँ से हो आप कैसी हैं बताओ? मैम?
उसके बारे में बताओ कुछ। आसनसोल से मैम। आसनसोल से, वाह मैम। मैं आपको बता नहीं सकती, आपको देखकर बहुत खुश हूँ मैं। आपको YouTube में ही ज्यादा खुशी है। YouTube में ही देखती थी मैम, आज आपसे बात कर रही मैं बता ही नहीं सकती कि मतलब बहुत खुशी हो रही है। मुझे उससे ज्यादा खुशी हो रही है, पसंद है। मैं आपसे मतलब क्लास करने के लिए लगा था क्या चांस मिले कि मैं आपसे क्लास कर पाऊँ। ये जैसे मतलब नोटिफिकेशन में आया मैं लगा कि तुरंत करूँ आप क्लास। आपसे बात करना बहुत पसंद है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बात करना। और आप पहले से मेकअप आर्टिस्ट हैं? हल्का फुल्का मैम, आपका जैसा बनना चाहती हूँ। थोड़ा भी आपका कुछ मतलब एकदम ले लूँ तो बहुत खुशनसीब होंगी। अरे नहीं, खुशनसीबी तो हम सबकी है कि हम सब मिले हैं एक दूसरे से, सिर्फ एक ही नहीं है। मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसे लोग मिले हैं, आप लोगों से प्यार मिला है, इतना रिस्पेक्ट मिला है। थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू। एंड रेडी टू बिकम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ना? जी मैम, एकदम करना चाहूंगी। कल्पना, गॉड ब्लेस यू एंड वेलकम। थैंक यू बेटा, थैंक यू। यस बलविंदर, ओके। यस बलविंदर, हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बलविंदर, कहाँ से हो आप? मैम पंजाब से, संगरूर। पंजाब से, संगरूर से, अरे वाह। कैसे हैं आप? बोलो। एकदम बढ़िया, देखो कैसे लग रही हूँ, वैसी हूँ। एकदम मस्त लग रहे हो। थैंक यू। और बहुत ठंड है वहाँ पे? बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। आप पहले से मेकअप करते हो क्या? नहीं मैं तो अभी स्टडी कर रही हूँ। अभी स्टडी कर रहे हो? कौन से क्लास में? टेंथ। टेंथ में? ओह माय गॉड, यू आर अ क्लास लवली। शाबाश बेटा, शाबाश। तो आपको मेकअप करना अच्छा लगता है? यस मैम। बहुत अच्छा लगता है? नहीं मतलब इतना नहीं लगता है, अच्छा लगता है। इतना नहीं अच्छा लगता, सो सो स्वीट, सो ऑनेस्ट। यहाँ लगता है लेकिन नहीं, इतना इतना नहीं मतलब लगता है। ओके ओके ब्लड, अभी पता है जब आप सीखोगे ना तो आपको इतना नहीं, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा है। ओके तो आप एक बार समझ जाओगे, आप सीख जाओगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है मेकअप करने में। करोगे ना? यस मैम। ओके बच्चा, सी यू देन, गुड लक बेटा। थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। कितना अच्छा लगता है ना कि इस एज में भी, इतने छोटे एज में भी जब अच्छी शुरुआत करता है कोई, है क्या? नहीं हम तो इस एज में, तो मैं तो टेंथ में तो मस्ती करती थी ना, अभी इतना कुछ ये नहीं था कि कुछ स्किल या और कुछ ये, मैं तो स्पोर्ट्स वोर्ट्स में मस्ती वस्ती उसी में ज्यादा ये थी। तो कितने लोगों को ये लगता होगा ना कि अरे अगर काश मैं ये काम मैं ना पहले से शुरू करती, या काश मुझे ऐसा कोई मिल जाता जो मुझे पहले से सिखाता, इससे पहले सिखाता, पहले पढ़ाता, और मैं एकदम अच्छा कर लेती अपनी जिंदगी में, बहुत आगे कर लेती, है ना? तो ये बहुत अच्छा लगता है ऐसे कि इतने छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इतना फोकस हो गए, इतना प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, है कि नहीं, है ना? वरना हम सोचते हैं ना कि अरे यार काश ये काम मैंने पहले सीख लिया होता, है ना, है कि नहीं? कोई नहीं, अभी सही है ना, ये जर्नी यहां से स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं। हर किसी का टाइमलाइन अलग होता है, हमारा ये टाइमलाइन है, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे लेकिन पहुंचेंगे वहां तक, ऊपर तक, राइट टू द टॉप, है कि नहीं? यस यस कामिनी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग कामिनी, कैसे हो मैम? एकदम फर्स्ट क्लास, आप कैसे हो? ठीक हूँ मैम, आप बहुत प्यारे लग रहे हो मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप कहाँ से हो कामिनी?
मैम पंजाब से कपूरथला शहर। ओके आप अपने बारे में कुछ बताओ, क्या करते हो आप? मैम मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ, बुटीक चलाती हूँ। स्टिचिंग का? यस मैम। अरे वाह वाह, तो आप डिजाइनर हो। यस मैम। वेरी नाइस वेरी नाइस, तो कला तो आपके है ही है ना, आपके अंदर है ही, आर्ट है कि नहीं, यस क्रिएटिविटी मैम। तो है ही है ना। यस मैम। यस मैम वेरी मुझे नाइस, मेकअप का बहुत शौक है, इसलिए मैंने आपकी क्लास बहुत ज्वाइन शौक की। यस है मैम। ना, तो अभी और अच्छा, बहुत अच्छा सीखने वाले हो आप। यस ऑल मैम। सेट है ना, रेडी? यस मैम। कितना परसेंट आप दोगे, मैम कितना पूरा परसेंट जितना दोगे अंदर जोर है सब लगाएंगे। बताओ, कितना परसेंट दोगे, अपना कितना परसेंट देने वाले हो? 500%। 500। यस लवली। ओके मुझे यही चाहिए था आपसे। ओके चलो, यस मैम। थैंक ओके थैंक यू बच्चा, एंड गॉड ब्लेस यू। ओके यू मैम। थैंक यू वेलकम मैम। बेटा, वेलकम। ये शुभश्री, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग शुभश्री। यस नीतू, मैं आपसे भी बात करती हूँ। ओके हाँ जी शुभश्री, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। कहाँ से हो? मैं उड़ीसा से। यस ओडिशा? अरे वाह, बोलो मैम। बताओ अपने बारे में। तो मैं ना मेकअप करती हूँ, लेकिन मेरा क्या है ना, जो फिनिशिंग जो वर्क होता है ना, वो चीज मेरे से अभी नहीं आया। क्यों ना मैम, जो टीचर के पास मैं सीखती हूँ, वो मुझे कम्प्लीटली मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल के बारे में भी वो अच्छे से समझाए नहीं। इस लाइन में ना मतलब पैसा खर्च होता है, लेकिन कोई भी मतलब अच्छा से टीचिंग देने के लिए मतलब पसंद नहीं करते। खाली बोलते बस ऐसे फैसे, बस ऐसे लगा, लेकिन कम्प्लीटली जैसे करेक्शन करना, वो सब चीज सीखने के लिए मुझे, इसीलिए मैं ज्वाइन हूँ सब ये क्लास सीखने में। वाले हो आप, सब सीखने वाले हो, छोटा 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 छोटे छोटे छोटा छोटा सब सीखने वाले हो। यस तो फिर सोचोगे अरे बाप रे ये सब भी होता है, इतना होता है हमें पता ही नहीं। ओके सो यस यू आर गोइंग टू लर्न मैम। एवरीथिंग ओके एवरीथिंग मैम। अबाउट मेकअप, जितनी और मेरे पास मुझे में नॉलेज मेकअप है। आर्टिस्ट होने के लिए बहुत पसंद है मैम। मैं जॉब करती हूँ, बट मुझे इस लाइन में हेयर क्लास भी कर रही हूँ, और मुझे मेकअप आर्टिस्ट होने बहुत पसंद, बहुत पसंद थैंक यू, बहुत अच्छा, आप बनोगे। एंड आपको पसंद, जिस जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो काम पसंद होता है, खुद को अच्छा लगता है, उसमें अपने आप यू नो काम अच्छा होता है और फिनिशिंग अच्छी आती है, क्योंकि हम दिल से करते हैं। ठीक है मैम। तो अभी मुझे मैं दिल चाहिए। से बहुत बहुत दिल से कर रही हूँ, फिर भी क्या होता है ना, हमें कोई चीज को पता नहीं होता है, जो देख के कर रही हूँ तो कितना सीख मतलब उसमें फिनिशिंग नहीं आता है मेरे, वो चीज अभी के लिए आएगी, मैम। अभी ओके मैम। आएगी, अभी मुझे बोलना, जैसे जैसे क्लास होगा ना तब मुझे बताना, तब मैं पूछूंगी सुबह से आ रही कि नहीं फिनिशिंग। ओके यस मैम। ओके मैम। थैंक यू ओके मैम। बच्चा, ओके हम आके गए अभी आपके यहाँ वहां पे कहाँ पे मैम, अगरतला, क्या नहीं आके गए बोलते हम मैम। त्रिपुरा, आ जाओ सच त्रिपुरा में बोल। आज उड़ीसा, हम तो यहाँ पे उड़ीसा हमने आई थिंक तीन चार राउरकेला। साल पहले आके गए थे। अच्छा हम राउरकेला पे रहते हैं। हाँ और राउरकेला में ही हुआ था शो, आई थी अच्छा मैं अच्छा राउरकेला। अभी कब राउरकेला में होगा तो मैं श्योर ज्वाइन करूंगी और आपके साथ मिलूंगी जैसे। अरे पक्का पक्का, ओके चलो, गॉड ओके मैम। ब्लेस यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू ओके एंड थैंक यू वेलकम। मैम। थैंक यू सो मच। यस नीतू, यस मेरे बच्चे, अगेन गुड हाँ मॉर्निंग। नीतू, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे साथ में अगरतला में नीतू भी थी, अगर आपने देखा होगा यूट्यूब पे, आपने देखा होगा नीतू भी थी हमारे साथ में, एंड अमेजिंग अमेजिंग हेयर का काम करती है नीतू, राइट नीतू? मैम सब आप लोगों की कृपा से हुआ है कि मैं जब से ऑनलाइन क्लास करना चालू कर रही हूँ, आप लोगों का जो नॉलेज है ना मैम कहीं नहीं मिलता सच में। मतलब ऑनलाइन में इतना कुछ सीखने ना मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और मैं ऑनलाइन से कहाँ पहुंच सकती हूँ ना, वो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। अब आपकी क्लास लवली, बहुत वेट किया मैंने, क्योंकि टाइमिंग का थोड़ा इशू है, खुद का सैलून है,
तो ये वाला टाइमिंग एकदम सुटेबल लगा, इसलिए मैंने फट से ज्वाइन कर लिया। सोचने का तो मुझे पता ही था। और आपसे मिलके मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मैं क्या बताऊं। कुछ दिन तो मुझे नींद नहीं आती थी, अरे यार सैम मैम के साथ कितना मस्ती किया मैंने। मस्ती करी ना हमने, हमने बहुत मस्ती करी, हमने मोमोज खाए, फिर हमने सूप पिया, हम अगरतला में घूम रहे थे, पता है नीतू मैं अयान हम मस्त घूम रहे थे अगरतला में। नीतू स्टेज पे काम करके कैसा लगा, स्टेज पे काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा भी लगा और बहुत डर भी गई थी मैं एकदम से। पहला मेरा मतलब पहला एक्सपीरियंस था कि मैं स्टेज पे थी और वहां पे पहुंचते साथ ही मुझे माइक दे दिया गया था, तो मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। तब तो आप नहीं कोई पहुंच नहीं, पाए थे आपकी फ्लाइट की वजह से, बट आप अगर उस समय देखे होते ना मैम, मुझे ना गर्मी में भी स्वेट नहीं आता है पता है, लेकिन मैं पूरा ऐसे पसीना टपक रहा था। तो देखा कितना डिफिकल्ट होता है ऐसे काम, ऐसे स्टेज बहुत पे ज्यादा काम करना और स्टेज पे परफॉर्म करना लोगों के सामने। ओके, बहुत लेकिन ऐसे ज्यादा। ही धीरे धीरे ही डर चला जाता है। एंड मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप अच्छा काम करते हो, ओके, अच्छा काम करते हो तो ऊपर वाला अपने आप से अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे कि नीतू हमारे साथ में स्टेज पे काम किया है, एंड फर्स्ट टाइम शी मस्ट हैव वर्कड ऑन अ स्टेज। तो ये उनकी मेहनत की वजह से और कमिटमेंट की वजह से, उन्होंने जो मेहनत करी है, जितना कमिटमेंट दिखाया है, जो अपनापन दिखाया है, उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ। तो अगर आप में भी यही जोश है, यही होता है, एक हिम्मत है, एक कमिटमेंट है, तो आप लोग भी ऐसे ही आगे बढ़ सकते हो। आज नीतू स्टेज पे पहुंची है, आप लोग भी ऐसे ही पहुंच सकते हो, राइट नीतू? एकदम मैम, मैम पता है सबसे ज्यादा ना हमें बहुत सारे लोगों के साथ बोलना, इतना हेजिटेशन होता है ना, मैं और मुझे तो बहुत ही ज्यादा है। मैं तो स्कूल के असेंबली में भी कभी खड़े होके नहीं बोलती थी, एकदम पीछे ही रहती थी मैं हमेशा। पता नहीं मैं ज्यादा बोल नहीं पाती थी, अपने में बहुत बातें कर लेती हूँ, लेकिन कभी स्टेज पे अगर चार लोगों के सामने मुझे बोल दिया जाए ना कि बोलो, तो मैं नहीं बोल पाती थी। मतलब मुझे वो चीज मेरे अंदर बहुत फील होती थी, तो मैंने बोली कुछ भी हो अब तो करना है, अब तो इस डर को भगाना है। सी, अभी तो एक बार आप मैंने लोग सामने जैसे जुड़े हो ना, तो आपका डर भी जाने वाला है और आप में कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा आने वाला है। और वो जो एक जोश होता है ना, वो एक जो आगे बढ़ने की चाह होती है ना, एक पैशन जैसे हम बोलते हैं ना हमेशा, कि वो जो पैशन है वो आप में और हम जगाने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। आई नो नीतू तो डेफिनेटली शी विल डू वेरी वेल, बिकॉज मैम, मैंने अब देखा 3 महीने है, मिली आपसे हूँ मैं मिलती इसीलिए। रहूंगी ना, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मेकअप तो जब मैं करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जो कॉन्फिडेंस चाहिए ना मेकअप करने में, और सामने वाले को जो कॉन्फिडेंस है हम अपनी बात रख सके ना, वो चीज थोड़ा सा नहीं हो पाती है, तो मेरे को ये वो अपना डेवलप कब करना होता है पता है है। नीतू, ये कब होता है जब आपको पूरी नॉलेज हो। यस यस, ओके, जब मैंने आपको ना मैम पूरी नॉलेज हो। मेकअप की अभी तक कोई क्लास नहीं लिया आज तक की, मैं बस कुछ कुछ देख के और आपकी वीडियोस फॉलो करके ही मैं करती आई हूँ मेकअप, और भी एक दो ऑनलाइन क्लासेस ऐसी थोड़ी बहुत की है मैंने। लेकिन मैंने आपका जो बेसिक से नॉलेज, आपका जो आप जो छोटी छोटी चीज स्टार्टिंग से जो बताते हैं ना, वो आई थिंक मुझे भी नहीं पता होंगी, तो मैं इससे लास्ट वाली बैच में भी ज्वाइन करने का सोची थी, लेकिन 5 से थी वो क्लासेस, तो वो सैलून टाइम होता था, तो इसलिए उसको लेफ्ट कर दिया, नहीं लिया। बट ये टाइमिंग ठीक था कि इसमें हम आराम से कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू नहीं होगी, कम से कम कोशिश रहेगी कि पूरे टाइम। अब सैलून कभी कभी क्लोज करने में लेट होता है, तो वही थोड़ा सा टेंशन है कि 8:30 बजे एकदम, कोई नहीं, मतलब कान ऑन करके कानों में एटलीस्ट लगा के बैठो, तो एटलीस्ट आप सुनोगे उसको। ओके, आप उसको सुन रहे हो, थोड़ी देर ही बाद में तो आप पहुंचोगे घर और फिर वापस बैठ जाना, लेकिन कान में सुनते रहना। अगर ऐसा कुछ है तो ऐसे मत करना कि ज्वाइन ही मत करो, लेट ज्वाइन करो, नहीं, वो तो रुक करूंगी। जाओ, कानों में डाल के सुनते रहो आप। एटलीस्ट देख नहीं रहे हो, एटलीस्ट कानों में तो सुनाई तो दे रहा है आपको। ओके, एंड डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है? और जो भी है आपके मेंटोर्स हैं, आप लोगों के जो है क्वेश्चंस हैं, कुछ रह गया, कुछ छूट गया तो आपको बताने वाले। और एक है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम रिपीट करते हैं, जब तक आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आता, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उसको हम रिपीट दिखाते हैं, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से उसको समझ जाओ। क्योंकि जो फाउंडेशन है ना, उसका सही होना बहुत जरूरी है। अगर फाउंडेशन डगमगा गया ना, तो ऊपर की बिल्डिंग फिर कोई मतलब नहीं है। कितना भी इंटीरियर काम करो, उसको कितना भी बिल्डिंग को पेंट लगाओ, कोई मतलब नहीं है। ओके, जो फाउंडेशन है उसकी नींव जो है ना, वो बहुत जरूरी है। और ये नॉलेज आपको यहाँ से मिलने वाली है। सो बी रेडी फॉर दैट। ओके, एकदम थैंक रेडी हूँ।
ये सीमा आपका भी डर निकल जाएगा। एक वैसे मैंने बोला एक बार आप लोगों को नॉलेज आ गई तो आपको डरने की कोई बात नहीं है ना, फिर बेझिझक आप जो भी सामने आए वहां पे आप काम शुरू कर सकते हो, है ना। ओके एनीवन एल्स? ओके यस 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 यस। एक मिनट ना, एक सुजाता से बात करती हूँ, उसके बाद में कौन रह गया, कौन रह गया, खासिम। ओके खासिम, सोनम भी रह गई। ओके ठीक है, गिव मी 2 मिनट्स। ओके यस सुजाता। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, आज मेरा फर्स्ट डे है मैम। यस आज मेरा भी फर्स्ट डे इस क्लास का। नहीं वो तो मेकअप का फर्स्ट डे है, मैं हेयर में हूँ। ओके ओके बच्चा, यस वेलकम वेलकम टू मेकअप, द वर्ल्ड ऑफ मेकअप, द ब्यूटी ऑफ मेकअप। मैं तो पहले तो सीखी हुई हूँ मेकअप, लेकिन क्या है ना कि अभी जो ब्राइडल वगैरह आते हैं तो उनको करती हूँ, तो जैसे कॉलोनी में लोग, मेरा घर में ही पार्लर है, तो घर में पार्लर है तो जैसे लोग करवाते हैं ये ब्राइडल होता है तो वहां करती हूँ ना, तो वो लोग कहते हैं ना कि नहीं यहाँ पर हमसे नहीं करवाते, कहीं बाहर जाके करवाते, तो उन लोग को लगता है ना कि यहाँ पर अच्छा से नहीं होता होगा चाहे कुछ, तो वही से हमने सोचते कि आपके पास आई हूँ तो और अच्छा से करूँ, जैसे मार्केट में बड़े बड़े पार्लर होता है। आएंगे हाँ, तो उस तरह से मैं पार्लर को मैं ये ब्राइडल करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये कोर्स आपके लिए लिया है मैम। यस बहुत अच्छा काम करोगे, बस मन लगा के काम करना। ओके और कोई कहीं भी ऐसे नहीं कि ढीला डाला बैठ जाना कि ओके कुछ हो रहा है, पूरा पूरा जान पूरी पूरा जो है ना मन पूरा इसमें डालो। ओके हाँ मैम, क्योंकि ब्राइडल है ना लोग बाहर जाते हैं और हम उससे नहीं करवाते, ऐसे सोचते हैं कि क्या कमी है जिसके कारण हमसे नहीं करवाते, जैसे कि हमको लगा कि नहीं आपसे एक बार ज्वाइन करती हूँ और आपसे मेकअप सीखती हूँ। थैंक यू सो मच सुजाता, थैंक यू एंड वेलकम, गॉड ब्लेस। थैंक यू मैम। यस जसप्रीत मैं आपसे भी बात करती हूँ, साक्षी आपसे भी बात करती हूँ। ओके विल जस्ट टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक प्लीज, 5 मिनट ब्रेक। ओके आप लोग, मैं जसप्रीत से भी बात करूंगी, साक्षी से भी बात करूंगी, जस्ट टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक। महेश आपको बात करनी तब तक इनसे, या ओके महेश आप तब तक इनको क्राइलॉन के प्रोडक्ट्स दिखाओगे प्लीज, या क्राइलॉन के आपके पास में फाइल है, इनको कौन से जो है प्रोडक्ट्स जरूरी है लेकर आने हैं, अरेंज करने हैं जल्दी से जल्दी, 15 दिनों में, 15 मतलब 10-15 दिनों में आप लोगों को ये प्रोडक्ट्स अरेंज करने हैं कैसे भी करके। ओके ठीक है, एक ही पैलेट है वो और पाउडर्स हैं जो जरूरी है, बाकी जो भी आपके पास है आप वही यूज करोगे। ठीक है ओके एवरीवन। ओके महेश सो यू प्लीज टेक ओवर एंड आप अपनी फाइल शेयर करना, उनको बता देना कौन से प्रोडक्ट्स उनको अभी जरूरी जो लेने हैं। ओके मैं आप सबसे वापस आके बात करूंगी, ठीक है साक्षी जसप्रीत एवरीवन, आई विल टॉक टू यू ऑल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके तो आज हम प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे कि हमें प्रोडक्ट्स क्या क्या बाय करने हैं स्टार्टिंग में। ओके जो कंपलसरी होगा प्रोडक्ट उसके बारे में बताऊंगा, बाकी की चीजें आपके पास कुछ चीजें है तो उसके साथ आप काम कर सकते हो, बट जो चीज आपको कंपलसरी बाय करनी है कौन कौन सी बाय करनी है, आपका जो बेस पैलेट होता है वो एंड उसके सेटिंग पाउडर्स। सबको विजिबल हो रहा है प्लीज हाथ आप एक बार ये कीजिए, थम्स अप दिखाइए मेरे को कि सबको विजिबल हो रहा है। ओके फटाफट नोट डाउन करना है आपने ये प्रोडक्ट्स, नोट डाउन करना है आपने, बुक पेन निकालिए फटाफट एंड उसको नोट डाउन करना है। ओके तो ये अपना क्राइलॉन सुप्रा कलर मुंबई 3 पैलेट, ये कौन सा है क्राइलॉन सुप्रा कलर, क्राइलॉन
सुप्रा कलर मुंबई 3, उसमें बहुत सारे शेड्स पैलेट आते हैं, मुंबई 1 आता है, देन मुंबई 2, मुंबई 3, ठीक है, दिल्ली 1, दिल्ली 2, ऐसे बहुत ऐसे बहुत सारे पैलेट्स आते हैं सुप्रा कलर्स के। हमें क्यों कौन सा बाय करना है? मुंबई 3 स्पेशल मेंशन करना है वहां पे, मुंबई 3। तो सॉरी, क्रायलॉन सुप्रा कलर मुंबई 3 पैलेट, ये आपको अराउंड 2800 तक आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपने क्रायलॉन के सुप्रा कलर उसी को सेट करने के लिए हमें जो पाउडर्स लगते हैं, ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, कौन सा? ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, 3 पाउडर लेने पड़ते हैं हमें, TL4, TL11 एंड TL9, TL4, TL11 एंड TL9, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट पाउडर कितना लेना है आपने? 3 पाउडर्स लेने हैं, TL4, TL11 एंड TL9। अभी किसी के पास भी अगर बनाना पाउडर है, येलो पाउडर है, अगर येलो कलर का पाउडर ऑलरेडी है किसी के पास, जिसको हम बनाना पाउडर बोलते हैं, तो उन्होंने TL4 अगर नहीं लिया तो भी चलेगा, ठीक है। जिनके पास, ध्यान से सुनना ये बात, जिनके पास बनाना पाउडर ऑलरेडी है, जैसे येलो पाउडर ऑलरेडी है, अगर उन्होंने TL4 को बाय नहीं किया तो भी चलेगा। सी, दिस इज TL4, इसका जो पाउडर का कलर होता है वो होता है येलो कलर, ये बनाना पाउडर है। अगर किसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, किसी के पास कोई भी कंपनी का होने दो, अगर उस आपके पास बनाना पाउडर है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, स्किप इन द सेंस आप इसको बाय नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट TL11 एंड TL9 ये आपको बाय करना ही पड़ेगा, ठीक है। मुंबई 3 क्रायलॉन सुप्रा कलर मुंबई 3 पूरा पैलेट आता है वो लेना है अपने, 12 कलर्स का पैलेट आता है वो बाय करना है, 6 कलर का पैलेट आता है वो नहीं लेना है हमें, 12 कलर्स का पैलेट आता है, 12 शेड्स, 12 शेड का पैलेट आता है, आपने वो ही बाय करना है, क्रायलॉन सुप्रा कलर मुंबई 3 12 शेड का पैलेट खरीदना है, ओके। देन TL4, TL9 एंड TL11 ये आपने खरीदने हैं, ये आपके ट्रांसल्यूशन पाउडर है, ओके। उसके बाद आपका आता है प्राइमर, उसके बाद क्या है? प्राइमर। अभी कुछ कुछ कंपनीज के मैं प्राइमर्स के नाम बता रहा हूं आपको, आपको जो रीजनेबल लगता है, आपको जो अफोर्डेबल लगता है, आप वो बाय कर सकते हो, ठीक है। क्रायलॉन का अल्ट्रा, क्रायलॉन अल्ट्रा अंडर बेस प्राइमर, क्रायलॉन अल्ट्रा अंडर बेस प्राइमर, ये अराउंड 1700 तक आता है, बहुत अच्छा प्राइमर है ये। उसके बाद क्रायलॉन HD माइक्रो प्राइमर, क्रायलॉन HD माइक्रो प्राइमर, ये आपका आएगा 1350। उसके बाद रिकोड कंपनी का एस ऑफ बेस मैटिफाइंग प्राइमर, रिकोड कंपनी का एस ऑफ बेस मैटिफाइंग प्राइमर, ये अराउंड 699 मतलब 700 के अराउंड आ जाएगा। इसके बाद
बीएससी बीएससी का स्टूडियो फिनिश ऑयल प्राइमर, बीएससी कंपनी का स्टूडियो फिनिश ऑयल प्राइमर, ये 715 रुपीज का आता है, 715। देन पीएससी 04 सेपरेशन क्रीम, पीएससी 04 सेपरेशन क्रीम, ये भी आपकी अराउंड आती है 715। के बाद फॉरएवर 52 पोर प्राइमर, फॉरएवर 52 पोर प्राइमर, ये आपका आएगा 899। देन एल्फ पावर ग्रिप प्राइमर, एल्फ पावर ग्रिप प्राइमर, ये आपका आएगा 1200, 1200। देन आएगा आपका फॉरएवर 52 ऑल मैट बेस, फॉरएवर 52 ऑल मैट बेस, ये आपका प्राइमर है, ये आपका आएगा 719, 719। Then benefit company का पोर फ्रेशनल, benefit company, कंपनी का नेम है benefit पोर फ्रेशनल टिंटेड प्राइमर, इसकी कॉस्ट है अराउंड 2089 रुपीस। हे कैन यू सी मी एवरीवन, मैं सॉरी मैंने आपको यहाँ पे इंटरप्ट किया, ओके, बिकॉज आपने बताया ना उनको कि ये दीज आर ऑप्शनल प्रोडक्ट्स, आगे के जो मेन प्रोडक्ट्स हैं जो आपको अरेंज करनी है वो अलग है, कि बाकी प्रॉपर प्रोडक्ट की जो नॉलेज है वो आपको मिलने वाली है और भी ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। महेश थैंक यू बेटा, आई विल टेक ओवर फ्रॉम हियर, फिर बाद में, थैंक यू मैम, वेलकम बच्चा। ओके, अभी जो आपको महेश सर ने प्रोडक्ट्स बताए, सबसे पहले तो आप लोगों को मुंबई 3 पैलेट सुप्रा की आपको अरेंज करनी है, ओके। अभी अरेंज कैसे करनी है, डर्मा की आप लोग यूज करोगे बाद में, ओके, आपके पास में और बाकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं हम यूज करने वाले हैं, ऐसा नहीं होने वाला कि वो प्रोडक्ट्स जो है वो वेस्ट जाएंगे या फिर वो काम नहीं आएंगे या उसके बारे में मैम तो सिखा नहीं रहे हैं, नो, आप लोगों को इतनी नॉलेज मिल जाएगी कि आपके पास में जो भी प्रोडक्ट्स है उसको कैसे यूज करना है, यू विल लर्न, ओके। लेकिन उसको लर्न करने से पहले ये जो मैं पैलेट बोल रही हूँ मुंबई की सुप्रा 3, ओके, नहीं सुप्रा की मुंबई 3 क्राइलॉन सुप्रा की मुंबई 3, ओके, ये जो पैलेट है ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इस पैलेट में लाइटेस्ट से लेके डार्केस्ट तक सारे शेड्स हैं, ओके, सारे अंडरटोन्स हैं एंड सारे करेक्टर्स हैं सिर्फ ग्रीन को छोड़ के, ओके, सिर्फ ग्रीन करेक्टर को छोड़ के, बाकी इसमें सारे करेक्टर्स हैं, इसमें लिफ्टर भी है, इसमें लाइटेस्ट शेड भी है और इसमें डार्केस्ट शेड भी है, तो ये जो पैलेट है ये सीखने के लिए बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कह रही कि ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है और आपको इसी से काम करना है, नो,
लेकिन अगर आपको अंडरटोन सीखने हैं, अगर आपको लेवल सीखना है, अगर आपको करेक्शन सीखना है, अगर आपको लिफ्टिंग सीखना है, तो ये सारी चीजें सिर्फ एक इस पैलेट से हो सकती हैं, मैं सिखा सकती हूँ आप। ओके, और ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जो यहाँ पे करूंगी या मैं जो आपको सिखाऊंगी, मैं आपको बोलूंगी कि ये देखो ये इसका अंडरटोन पीच है, ये देखो ये इसका अंडरटोन रेड है, ये देखो इसका अंडरटोन येलो है। अभी अगर आपके सामने वो नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना, आप नहीं सीख पाओगे ना। जब मैं आपको बोलूंगी कि थोड़ा सा ये लो और दूसरा कलर कोई है उसमें मिक्स करो, फिर ये शेड आता है, ये कलर आता है, तो सिर्फ मैं यहाँ बोलने से तो नहीं होगा, आप जब वहां पे खुद नहीं करोगे आप नहीं सीख पाओगे, राइट? ओके, तो मेरी सिर्फ इस पैलेट के लिए और पाउडर के लिए सिर्फ उतना एक कंपल्शन है, ताकि मैं जो यहाँ पे कर रही हूँ वो आप वहां पे आपके सामने देखकर सीख सको। एंड व्हाई क्रायलॉन? बिकॉज क्रायलॉन हर जगह अवेलेबल है। ओके, एंड क्रायलॉन इज द लीस्ट, बोलते हैं ना, लीस्ट अमाउंट का प्रोफेशनल प्रोडक्ट। इससे आप अच्छे अच्छे मेकअप कर सकते हो, आप 3D मेकअप कर सकते हो, आप सिंगल टोन मेकअप कर सकते हो, आप करेक्शन कर सकते हो, आप लिफ्टिंग कर सकते हो, आप लाइटेस्ट शेड से लेके डार्केस्ट शेड तक कर सकते हो। तो यू हैव ऑल द शेड्स इन दिस पैलेट, मुंबई 3, ओके, दिल्ली 3 की बात नहीं कर रही हूँ, जयपुर की बात नहीं कर रही हूँ, चेन्नई की बात नहीं कर रही हूँ, और किसी की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ मुंबई 3 की बात कर रही हूँ। क्योंकि इस पैलेट में जो शेड्स हैं वो आपको प्रॉपर सब कुछ सिखाने वाले हैं। ओके, गॉट इट? नाउ यू अंडरस्टैंड कि मैं क्यों बोल रही हूँ ये इस पैलेट के लिए, ताकि आप लोग प्रॉपर अंडरटोन्स, लेवल, करेक्शन, लिफ्टिंग सब कुछ प्रॉपर सीख लो। गॉट इट? वेरी फेयर से लेके डीप तक आप सीख सकते हो इस पैलेट से, ठीक है? इसीलिए मेरी सिर्फ ये है कि ये पैलेट आपके पास में होगी तो आप बहुत अच्छा सीख पाओगे। बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छा आप सीखोगे कि उसको कैसे यूज करना है। एक बार आपको समझ में आया कि कलर मिक्सिंग क्या होती है, अंडरटोन्स क्या होते हैं, हमने कैसे मिक्स करना है, हमने कैसे कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड देन यू विल यूज दोस प्रोडक्ट्स, ठीक है? अब तक जो आपके ये था ना कि अरे मैं कौन से प्रोडक्ट्स मेरे पास में, मैंने ले तो लिया, किसी की बात सुन के इस सेमिनार में गई या वहां पे देखा, मैंने देख तो लिया, ले तो लिया, लेकिन इसको कैसे यूज करना मुझे पता ही नहीं, राइट? तो आप सब कुछ, आपके पास में जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब चलेंगे, ओके? लेकिन ये पैलेट मुझे चाहिए आपके पास, ठीक है? अभी आप लोग मुझे भेज रहे हो ना, मेरे पास में ये है ये चलेगा, मेरे पास में वो है वो चलेगा, दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा, उड़ेगा भी, लेकिन उस उड़ने के लिए, दौड़ने के लिए आपको ये पैलेट लेनी जरूरी है, ताकि आपको समझ आए कि वो वाला कैसे यूज करना है। गॉट इट नाउ? इसके बाद आप जो भी आपके सामने प्रोडक्ट आए, सस्ते से सस्ता आए, महंगे से महंगा आए, यू विल नो हाउ टू डू इट, हाउ टू यूज इट। इज इट क्लियर एवरीवन? सारा क्लियर? सारा क्लियर? ओके, सारा कहाँ से हो आप? मैम अंडमान से हूँ। अंडमान से? वाओ, बहुत ब्यूटीफुल है ना? जी मैडम, बिल्कुल, है ना? आइएगा कभी। जी मैडम, जरूर, पक्का पक्का। एंड व्हाट इज योर सरनेम? कार्निकोबार? नहीं, कार्निकोबार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, तो कार्निकोबार लिखी हूँ मैं, आइलैंड के नाम है। ओके, आपने लिखा ना सारा कार्निकोबार, तो इसलिए मैंने पूछा इज दैट योर सरनेम। नो नो नो, जगह का नाम है मैडम।
ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सी हमारे पास कहाँ से, अंडमान से भी है। वाओ लवली। थैंक यू ओके सर, मैम। गॉड ब्लेस यू बच्चा एंड गुड लक। ओके सो मुंबई थ्री, सुप्रा की मुंबई थ्री पार्लर एंड जो आपके पाउडर्स जो बोले हैं ट्रांसलूसेंट पाउडर्स में TL 11 TL 9 दिखाया, राइट महेश सर ने दिखाया आपको, राइट। सो TL 11 TL 9 ये चाहिए चाहिए एंड TL 4। अभी TL 4 भी ऑप्शनल है अगर आपके पास में पहले से कोई बनाना पाउडर है, येलो वाली बनाना पाउडर पता है ना कौन सी, येलो कलर की होती है। अगर आपके पास में पहले से बनाना पाउडर है तो आपको TL 4 लेने की जरूरत नहीं है। ओके फिर से बताऊं, अगर आपके पास में पहले से कोई बनाना पाउडर है तो आपको TL 4 लेने की जरूरत नहीं है, फिर सिर्फ TL 11 और TL 9 चाहिए आपको। इज इट क्लियर, समझ आया ना। ओके और बाकी जो भी आपके पास में पाउडर्स होंगी, जो भी प्रोडक्ट्स होंगे हम लोग यूज करेंगे, डू नॉट वरी, ठीक है। ओके अब आपको कैसे मंगाना है, क्राइलॉन की साइट भी है, ओके क्राइलॉन की वेबसाइट है, आई विल शो यू हाउ टू ऑर्डर। मैं कल दिखाऊंगी आपको, बताऊंगी कि उसको कैसे ऑर्डर करना है, ठीक है। अगर वहां पे नहीं है तो मैं आपको कुछ वेंडर्स के नंबर्स भी बताऊंगी, और अगर फिर भी डिफिकल्ट होता है, अगर आपको लगता है कि आप नहीं अरेंज कर पा रहे हो, तो मैं महेश सर को बोलूंगी कि वो आपको हेल्प कर दे यहाँ से, ठीक है। इज इट ओके, ठीक है। सो मुंबई की, सॉरी सुप्रा की मुंबई थ्री पैर, ओके सुप्रा की मुंबई थ्री पैलेट एंड क्राइलॉन का ट्रांसलूसेंट पाउडर TL 11 TL 9 एंड TL 4। फिर से बोलती हूँ, अगर आपके पास में कोई भी बनाना पाउडर है तो 4 मत लेना। ओके क्लियर है, पक्का पक्का शक्का। आपके पास में जो भी ब्रशेस हैं आप उसको यूज कर सकते हो, और नहीं तो आपको पूरा बताया जाएगा, ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आप कौन से ले सकते हो, पूरे प्रोडक्ट नॉलेज आपको मिलेगी, फिर आप सिलेक्ट करना आपके बजट के हिसाब से कि आपके किट में क्या होना चाहिए, ठीक है। मेरा उसमें कोई जोर नहीं है कि यही चलो और यही रिजल्ट, यही रिजल्ट देने वाला है आपको, ऐसा नहीं होने वाला इधर। ओके ठीक है, रिजल्ट जो है वो आपका काम देगा, आपके टेक्निक देगी, ठीक है, नोट इट, जो आप लर्न करने वाले हो, ठीक है। आपके किट में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, दैट इज अप टू यू, आपके बजट के हिसाब से, आपके पॉकेट के हिसाब से। आई विल टेल यू के कम से कम में ये अच्छा है एंड महंगे से महंगे में ये अच्छा है, ठीक है। सारे प्रोडक्ट्स जो है आपको बताए जाएंगे, जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उसमें से आप सिलेक्ट करो, ठीक है। हर प्रोडक्ट का काम बताया जाएगा कि ये क्यों यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, एंड यू विल टेक दैट प्रोडक्ट एज पर योर चॉइस, ठीक है। आपके यहाँ का माहौल कैसा, मतलब कैसे क्लाइमेट कैसा है, आपके यहाँ पे कैसे क्लाइंट्स आते हैं, उसके हिसाब से आप सिलेक्ट करो, ठीक है। क्लियर, फेयर इनफ, यही चाहिए था आपको, यही चाहिए था ना कि नहीं। कैसे बताऊं कि यही मतलब मैं जो बोल रही हूँ वही लेना है और उसी से काम करना है, ऐसा चाहिए था, तभी रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, तभी आप अच्छा काम कर पाओगे, नहीं तो नहीं आएगा, ऐसा चाहिए था, नहीं ना। ओके सो बस ये जो है प्रोडक्ट्स ना, TL पाउडर और TL अपने जो सुप्रा की जो पैलेट है वो आपको अरेंज करनी है, बस उसके लिए मेरा जोर है कि वो चाहिए, वरना मैं आपको अंडरटोन्स नहीं बता पाऊंगी। बता पाऊंगी मतलब मैं यहाँ पे दिखाऊंगी तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, आप सिर्फ देखोगे, आप वहां पे एक्चुअली करोगे नहीं, ठीक
ठीक है, सब दिखाएंगे। रेणुका आई विल शो द प्रोडक्ट्स प्रॉपर। कल की जो क्लास होगी वो पूरी प्रोडक्ट नॉलेज की होगी। ओके, आज मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती थी कि आपको प्रिपेयर करना चाहती थी कि आपके लिए क्या वेट कर रहा है। ओके, कल से हमारी डेफिनेशन भी होगी, ठीक है, डेफिनेशन, मेकअप की डेफिनेशन होगी, देन आपके प्रोडक्ट नॉलेज होगी, एवरीथिंग वी आर गोइंग। ठीक है, अभी किसी को, जसप्रीत को बात करनी थी मुझसे, राइट जसप्रीत, कैन यू जस्ट मैसेज मी? और किस किस को बात करनी थी? साक्षी को भी बात करनी थी। कैन यू रेज योर हैंड? हाँ जी, यस, अनम्यूट। हेलो मैम, गुड हेलो, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो आप कैसे हैं मैम? आप? मैं बढ़िया हूँ मैम, आप बताइए आप कैसे हो? बहुत अच्छी, थैंक यू सो मच। आपका इतना प्यार मिल रहा है तो मैं अच्छी होंगी ना? हाँ जी मैम, मैं एक्चुअल में सैम सर की क्लास में भी हूँ, हेयर में की में। जस सर, वो जस हाँ सर जी, है, मैं जस सैम सर मैम की, हूँ। ओके ओके, जस सर की। तो वो बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत बढ़िया सिखाते हैं मैम। क्योंकि इज मेरा अ हेयर में मास्टर। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं कटिंग बहुत अच्छे से करना चाहती थी, तो वो मेरे को काफी उसमें हेल्प मिली है। और मैंने लैक्मी से किया है मेकअप का, लेकिन वहां से इतना क्लियर नहीं करवाते मैम, जैसे एकेडमी में भी जाते थे, बस बता दिया ये करना बात है नहीं, वो अभी करना सीख लेंगे हम। किसी की बदनामी नहीं करेंगे, हम किसी के लिए गलत नहीं बोलेंगे, नेगेटिव नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं। नहीं, ओके, ऐसा नहीं, अभी ऐसा भी है राह हमें, हम लोग उस पर चलेंगे, है नहीं, नहीं ना? ऐसा नहीं है। हाँ जी ऐसा नहीं है, बट फिर भी थोड़ा आपका जो सिखाने का वे है वो थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, और समझ में आ थैंक यू। जाता है जैसे आप बोलते हो करते हो, एक अनजान बंदे को भी समझ में आ जाता है, तो थैंक इजी यू है। यस, सो मच। तो जिसकी इंग्लिश वीक है जी वो भी समझ जाता है, जिसकी हिंदी भी क्या वो भी समझ जाता है, आप बात यस, ऐसे करते थोड़ा सा। हाँ, मैं अगर आप वे भी मैं बोलना चाहूँ, अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि जो मैं समझा रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वो नहीं समझ आ रहा, तो प्लीज तुरंत बोल देना। ओके, कि ये नहीं मैम, समझ नहीं आ रहा। ऐसे आप में कोई बात ही नहीं है कि समझ ना आए, बहुत अच्छे से समझ आता है आपका, यही थैंक यू यही सो इसी मच। बात के लिए तो हमने ज्वाइन किया है ये मेकअप का कोर्स जो है। वैसे मैं मेकअप कर लेती हूँ तो, बट कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम्स है, ब्लशर में है, कंटूर में है, काफी प्रॉब्लम्स है छोटी छोटी कोई सी। नहीं, अभी आप सीखने वाले हो, सब कुछ सीखने वाले हो। तो मैम पंजाबनों को ओके, भी बम्बई लेना पड़ेगा, पंजाब वालों को भी बम्बई पैलेट ही लेना पड़ेगा। यस यस यस, ओके सबको ओके ओके, सबको, पंजाब वालों को, लक्षद्वीप वालों को, अंडमान लेकिन निकोबार वालों को, सबको लेना पड़ेगा, ओडिशा वालों को, नेपाल आसाम वालों को, नेपाल वालों को भी लेना पड़ेगा। ना ऑलरेडी यस, क्यों? ठुकरा है, ठुकरा है मेरे जैसे को। मैंने बताया कि इस पैलेट में लाइटेस्ट से लेके डार्केस्ट तक शेड्स हैं, तो आपके सामने कोई भी स्किन आ जाए, चाहे वो हाँ जी, पंजाब की हो, चाहे वो साउथ की हो, चाहे वो नॉर्थ की हो, ईस्ट की हो, वेस्ट की हो, कहीं की भी हो, आप लोग कर पाओगे, आप लोग सीख पाओगे। नहीं ओके, मैम, हमें ठीक बहुत एक जुनून है हमारे मन में कि हमने आपसे बहुत अच्छे से सीखना है, थैंक यू सो मच। और ये जुनून कायम रखना, क्योंकि जी। आपको ये जो एनर्जी है ना वो एंड तक लगने वाली है। ओके, और उसके बाद तो और ज्यादा लगने वाली। जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम, आपने एक बार ये वो काम ऑनलाइन करने क्लास। का मजा आने लगता है ना, तो फिर उसका नशा चढ़ जाता है, पता है क्या? फिर वो जी मैम, काम आता है ना तो मजा आता है, फिर उसका नशा चढ़ जाता है, और तब मजा आता है, फिर तब मैम क्या ना, फिर सक्सेस, पैसा, सब कुछ आना शुरू हो जाता है ना? एक्चुअली मैं पहले फिजियोथेरेपिस्ट थी, लेकिन मैंने अपनी ओ, लाइन चेंज की है, मैंने अभी थोड़े वेरी टाइम नाइस। पहले लाइन चेंज की है, वन वन ईयर हो गया मेरे को लाइन चेंज किए हुए। तो पहले मैं फिजियोथेरेपिस्ट थी ओके, यहाँ लेकिन क्यों पे। लाइन चेंज करी? वैसे मेरा इंटरेस्ट था कुछ चेंज करने का, जैसे अच्छा, ओके, उसको करते करते के मेरे को 17-18 साल हो गए थे, तो एक ही चीज करते करते मेरा थोड़ा सा जैसे था, मेरे को इधर शौक भी था कि मैंने मेकअप का, मेरे को बहुत अच्छा लगता था करना, किसी पे वेरी, तो करना आप बहुत तो फिर अच्छा बहुत लगता आगे था। जाओगे।
किसी पे करना तो मेरे को इतना अच्छा लगता है, मेरे पास, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास आते जाए तो मैं करती जाऊँ, ये है मेरा, मैं कभी थकती नहीं हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी मैंने गुड। स्कूल का भी किया हुआ है मैम, तो मेरी एज जो है 40 है, 40 से अबव भी है, तो कितनी मैंने है? 40 से अबव है मैम, 40 से अबाव कितनी? 43 होगी आई थिंक, तो ओके कितने ओके, मेरे भी 40 के ऊपर ही है, 1982 मेरे का भी बर्थ 40 के है, अबाव ही है। 1982 बर्थ। आप 82 के हो? जी, वेरी नाइस। मैं 79 की हूँ, 1979 की हूँ। मैम आप तो वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल हो आप बहुत सुंदर हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका प्यार जो है ना वो मुझे ब्यूटीफुल रखता है। थैंक जी मैम, यू सो तो मच, मेरे मन थैंक में यू। बहुत ज्यादा है कि मैं बहुत अच्छे से करूं और बहुत अच्छा परफॉर्म करूं, मैं सिखाना भी चाहती हूँ और बहुत सीखना अच्छा भी। करोगे आप, जी, एज बहुत का अच्छा नहीं करोगे। है, मेरे को सब कह रहे थे कि आप अब इस एज में क्यों चेंज कर रहे हो, मैं कहा कोई बात नहीं है, काम करने का कोई एज थोड़ी होता है। मैंने भी चेंज किया, ऑफकोर्स इतना लेट नहीं किया, लेकिन बोलते हैं ना पैशन। ओके, आपको पता होगा केएफसी के ओनर जो है उन्होंने 65 एज में स्टार्ट किया, एंड यू सी नाउ केएफसी इज अ सच अ ह्यूज ब्रांड। ओके, जी, तो कोई उम्र नहीं होती काम बदलने नहीं की, पैशन की कोई उम्र नहीं होती, बस मैंने, दिल ने बोला, दिल का कहना मानना है और आगे बढ़ना है बस। जी, सैम सर, जस सर से हमने ब्लो ड्राई बड़े अच्छे से सीखा है, जो वो ब्लो ड्राई लवली, करते हैं ना वो बहुत वेरी अच्छा, नाइस, बहुत बहुत नाइस। अच्छे। मैंने ऑनलाइन तो मैं नहीं आ पाती हूँ क्योंकि मैं काम पे होती हूँ, तो मैंने उनकी कोई वीडियो नहीं छोड़ी, जो बेला फ्लेक्स का जो ट्रीटमेंट था वो भी मैंने पूरा देखा है और मैंने किया भी है, काफी लोगों का किया है मैंने। लवली, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, मैं बहुत तो अच्छे। आप शौक बहुत से आगे जाओगे और बहुत बहुत शौक अच्छा करना। मेरे गुड विशेस हमेशा रहेंगे। मैं शौक के लिए कर रही हूँ, मेरे को एक जुनून है, मेरे को एक शौक है कि मैंने करना है बस। तो फिर वही मैं बोल रही हूँ ना, यही होना चाहिए, ये जज्बा जो होगा ना वही आपको आगे लेकर जाएगा। सो गुड लक, आई एम देयर, आई विल ऑलवेज बी देयर। जस सर, थैंक मैं और हमारी पूरी टीम जो है वो हमेशा आप सबके साथ रहेगी, आपके साथ साथ आगे बढ़ेगी, आपको भी बढ़ाएंगी, हम साथ साथ यू। आगे बढ़ेंगे। हम तो ओके, मैम चाहेंगे कि आपकी अमृतसर में भी एक एकेडमी बना दें। पक्का आप लोग ही करो ना, आप लोग जहां जहां हो सब लोग अच्छा अच्छा सीख के वहां पे एकेडमी शुरू करो। बिल्कुल, ओके, आपके नाम सैमेंजेस से वहां पे शुरू नहीं, कर लेना, नहीं हम आ आपके नाम जाएंगे आपके पास। नहीं, आपके नाम पे शुरू करनी है, साइमन जस्ट पक्का नाम ही पक्का बहुत कर प्यारा है, लो। मैं देखती तो ओके ओके, थैंक यू जी, सो मच, बहुत गॉड टाइम से ब्लेस मैं यू। आपको देख रही हूँ, बहुत टाइम से, जैसे यूट्यूब पे बहुत टाइम से देख रही हूँ आपको, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू ओके, जी ओके सी यू एंड मैम, टेक केयर एंड गुड लक। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी साक्षी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, क्या हाल है? बस एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आपका क्या हाल है? ठीक है मैम। ये डॉल कौन है, ये डॉल मेरी पेट की, इसका नाम डॉलप्रीत है, क्या है? इसका नाम भी डॉलप्रीत। अरे वाह, सी, हेलो हाय बोलो। बेटा। जी मैम, मैंने ना सर की क्लासेस लगाई थी ऑनलाइन, ईयर की वो क्लासेस। जस सर है, वो जस सर है, मैं सैम मैम हूँ, कोई हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बात तो नहीं, आप मैंने, बोलोगे तो भी कोई बात नहीं है। जी ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छे से सीखा उनसे, और उनकी कटिंग वगैरह जो भी अभी तक मुझे मेरे माइंड में है, अभी तक मतलब मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरु बिना गति नहीं है, ठीक है, ये मेन बात है जिंदगी में। लाइफ में कुछ करना है तो गुरु बहुत जरूरी है, और जब जहां पर आप जैसे खड़े हो ना वहां पर तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। और सेकंड, जब यूट्यूब में आपकी छोटी छोटी वीडियो देखती हूँ, पी एस स्केल आपने कराया, जो पी एस स्केल की थ्योरी है, तो जो छोटी छोटी थ्योरी मैंने करके मैंने क्लासेस में करवाई, उससे बहुत मुझे बेनिफिट हुआ है। और वो तो सोने के सिक्के थे ना, अब तो मुझे पता मुझे खजाना मिलने वाला है, अब तो मेरे पास ज्ञान के हीरे जवाहरात आने वाले हैं, अब मुझे पता लग गया सो स्वीट, सो सच में। स्वीट, थैंक यू वो तो यू, सो मच। हाँ
मैं कोशिश करूंगी कि जो भी है मैं आप तक पहुंचाऊं, मेरे पास में जो भी नॉलेज है आपको दूं, आपके साथ शेयर करूं और आप लोग बहुत आगे बढ़ो। ठीक है मैम, वो तो यूट्यूब में मैडम इतना कुछ हमें ज्ञान मिल रहा है जहां पर हमने 1 रुपया नहीं लगाया, तो अब इस जगह पर अगर आपने कुछ सोच समझ के कोई प्लानिंग की ना, अब तो मुझे पता है कि हमें बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा और मैं तो ट्रस्टेबल हूँ, मतलब पूरी तरह। मैम तो बल्कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे क्लासेस लगा रही हूँ ऑनलाइन मेकअप की, क्योंकि थैंक यू, मैंने तो आपसे थैंक अभी यू क्लासेस सो मच नहीं लगाई। साक्षी, थैंक यू थैंक यू। खूब आगे बढ़ना और खूब अच्छे अच्छे काम। थैंक यू। इज देयर एनीवन? यस मनीषा। गुड गुड मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग मनीषा, कैसे हो मैम? एकदम फर्स्ट क्लास। आप कैसे हो? बस बहुत बढ़िया हूँ। आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। थैंक यू सो मच। अभी तो शुरुआत ही है, आज तो पहला ही दिन है। अभी आप देखो आगे आगे होता क्या क्लास है। है रखी है मैंने, जस सर के क्लास ना? में हूँ मैं। हेयर यस, अभी केमिकल और मेकअप हेयर भी कटिंग में लगाने मैं हूँ। वाला है। मैं हम ऑफलाइन में नहीं सीखते हैं ना उतना अच्छा, ऑनलाइन में सीख रहे हैं। बहुत अच्छी है पढ़ाई कर ना? रहे हैं, एकदम छोटी थैंक यू छोटी सो मच। बातों का यही तो, आप लोग नहीं आ पाते यहाँ पे तो इसीलिए हम आ जाते हैं आपके पास में कि आप लोग आगे बढ़ो, आप लोग भी सीखो, आप लोग भी बहुत अच्छा अच्छा काम करो। रहे हो। बहुत डीपली ज्ञान दिया आपने, बहुत थैंक डीपली यू नॉलेज। सो मच। थैंक यू मनीषा। जितनी भी थोड़ी बहुत है आप लोगों के साथ में शेयर कर लेते हैं हम। थैंक नहीं कहीं से भी नहीं यू, मिलती मैम, इतनी अच्छी मिली है मेरे ऑफिस। थैंक यू मनीषा, थैंक यू। और अभी मेकअप में धमाल करने वाले हो ना? हाँ मेरे को कुछ पता नहीं मैम, मैं एकदम से नहीं हूँ कोई बात मेकअप नहीं, क्या यहाँ पे सब मैम। एक जैसे हैं, पता है? अभी हमारे पास में जिन्होंने 15 15 20 20 साल भी काम किया है ना, वो भी आके यहाँ पे जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। सो डोंट वरी एट ऑल, आप सब लोग, हम सब लोग एक ही लेवल पे काम करने वाले हैं। ओके ठीक है, एक साथ आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, एवरी वन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, बिल्कुल नहीं डरना। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हेलो हाँ मैम, जी, हेलो, गुड हेलो मॉर्निंग कासिम, मैम कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास। आप कैसे हो? जी मैं बहुत अच्छी हूँ और आज आपका क्लास ज्वाइन करके दिल से बहुत खुश हूँ। बहुत सालों से ट्राई कर रही थी कि मेकअप का कोर्स करूँ कोर्स करूँ, लेकिन कभी कुछ वजह से नहीं ज्वाइन कर पा रही थी। जब सर का मैंने वीडियो देखा तो कल रात में मेरे हस्बैंड आने के लिए मैं मैसेज की थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड रात में बहुत लेट से आते हैं, 11 11:30 ऐसे हो जाता है। तो मैंने कहा कि इतने रात में मैं मैसेज की थी कि इतने रात में पेमेंट करने से होगा, तो मुझे वहां से रिप्लाई आया कि हाँ बच्चा क्यों नहीं होगा, अब आप कर सकते हो। तो कल मैंने रात को 12:30 बजे आपका इसमें फोन पे किया, आपके पास नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे। तभी ओके मैं ने कहा कि अरे पता नहीं अननोन नंबर है, इतना पैसा छोड़ने को बोल रही हो। वहां से कुछ आए, कैसे मैंने कहा कि आप चले गए तुम? भरोसा है कि नहीं, तो उन्होंने कहा हाँ तुम तो मेरी वाइफ हो, क्यों नहीं बस। मैंने कहा कि मुझ पे भरोसा ना, तो इतना ही भरोसा रखो, जितना मुझ पे भरोसा रखते हो ये चैनल पर भी उतना ही भरोसा रखना, क्योंकि मैं बहुत हाँ सालों सो स्वीट। चैनल देख रही हूँ मैम, 7 या 8 साल से मैं यूट्यूब से सर का वीडियो हमेशा देखती हूँ, और मेरे सासू मम्मी भी बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा सिखाते हैं। आपका ही सर का कटिंग वगैरह सब देख के मैं ही करती थी, और आपका जो मेकअप का टेक्निक है थोड़ा थोड़ा सा लेकर मैं भी करती थी। मैं पार्लर 10 साल से कर रही हूँ, लेकिन मेकअप मुझे इतना नहीं आता, क्योंकि यहाँ बहुत आने छोटा सा, लगे। कहाँ बहुत छोटा सा गांव है यहाँ पर ना मैम। जब मैंने पार्लर से किया था आओ? जी, मैं ओडिशा बरमपुर से हूँ, ओके और वहां से 100 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है सरोड़ा करके, मैं वहां मैरिज होकर आई हूँ, बरमपुर से मैरिज होकर यहाँ सरोड़ा आई हूँ। तो यहाँ पर लवली। बहुत बहुत पहले पार्लर कोई भी नहीं था, एक पार्लर भी नहीं था, एक ही पार्लर था जो इतना ये नहीं था। तो यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत से लोग ब्रेड से आईब्रोज बना रहे थे, तो रेड मैंने मैरिज होने के बाद से जी, मेरा नाम अफसाना है मैम, अफसाना, ओ गाना है ना वो, अभी मेरा नाम रोजा भी है, अफसाना भी है, ऐसी अच्छे अच्छे अफसाना गाने।
हाँ, तो वहीं से मैंने थ्रेडिंग करना शुरू किया। ऐसे धीरे धीरे पार्लर स्पीड चलने लगा। लेकिन मैम अभी क्या हुआ है कि सब लोग ऐसे शादी के लिए मेकअप करना चाहते हैं ऐसे आने के, तो दो चार लोगों का ऐसे ही आपके यूट्यूब चैनल से देखकर मैं दो तीन लोगों का मेकअप की हूँ, चार या पांच लोगों का मेकअप की हूँ। मैं चाहती हूँ कि और अच्छे से कर पाऊँ। इस जो गाँव है ये छोटा सा गाँव है, बहुत छोटा सा गाँव है, तो यहाँ पर कोई पार्लर इतना नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि मेकअप बहुत अच्छा करूँ, अच्छा उनको मतलब सर्विस दूँ। उसी के लिए मुझे पहले सीखना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं आता, मैंने सीखे नहीं है। हम शुरुआत ही नहीं किए, बस थोड़ा थोड़ा YouTube देखकर ही किए हैं, आपका चैनल देखकर बस इतना ही। तो इसीलिए तो बहुत मैंने अच्छी सोच रहे थे आप की है करोगे। मैम। आप में जो भी मैं जो देख रही हूँ ना, जो जोश है ना, जो एनर्जी है ना, वो अंदर से जो इच्छा दिख रहा है मुझे, आई कैन सी एंड यू विल डू इट। आप करोगे और बहुत अच्छा करोगे। आप बस मेरी ये नोट देखिए, ये नोट को ना मैंने जस्ट सर के सारे वीडियो देख के ही पूरा बनाए। लवली, वेरी नाइस, ये बहुत देखकर अच्छे। अभी ऐसे ही आपको मेकअप की बनानी है, ओके? मेकअप की आपको ऐसे ही बुक बनानी है, फिर प्रोजेक्ट भी बनाना है। हाँ, मैं आप सबको ना प्रोजेक्ट बुक भी दिखाना चाहती हूँ, ओके? सो जी मैम, जी आई विल शो यू दिखाइए ऑल। मैम, तो आप देखिए। लोगों को ऐसी प्रोजेक्ट बुक भी बनानी है, नोट्स बनाने हैं अलग से और प्रोजेक्ट बुक बनानी है अलग से, ओके? ठीक है, आई विल शो यू एवरी वन। मैं बताती हूँ, ये देखो, एक स्टूडेंट की है, ओके, प्रोजेक्ट बुक। इसमें क्रिएटिविटी है भाई, कि मुझे आपसे क्रिएटिविटी चाहिए, आप सबसे, ओके? देख लेना, ठीक है। अफसाना, मैं थोड़ा सा आपको अभी मैं रोकती हूँ, मैं आई जस्ट शो दिस ताकि पूरे स्क्रीन पे ये दिखाई दे, ओके बेटा? एंड गॉड ब्लेस यू एंड गुड लक, ओके? कैन यू सी नाउ एवरीवन, दिख रहा है आपको क्या? ओके, सी, सब ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बना के रखे हैं इसमें, ठीक है? आप जो सीखे हो ना वो इसमें है, ठीक? ओके, ये ब्राउनी पॉइंट है, ओके, ऊपर लिखा हुआ है सैम मैम का ज्ञान टिप्स, ओके? यहाँ पे लिखा हुआ है सैम मैम का ज्ञान, और ये सारे पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स है जो सीखे हैं इसमें आप, ठीक है, जो सीखने वाले हो आप, ठीक है? सी, इसमें भी सी दिस, ये देखो, स्किन, स्किन का डायग्राम है ये, कैन यू सी? ओके, कैन यू सी? उल्टा है, ठीक है, सी, एंड देन ये सारे छोटे छोटे नोट्स है, एवरीथिंग, ओके? अंडरटोन्स, कलर व्हील, सब है इसके अंदर। सो दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू ऑल, ओके? सब ये लिखा हुआ है, नोट्स है सब इसमें, तो इसमें भी ऐसे ऐसे एक एक निकलता है। बहुत क्रिएटिवली किया था ये, बनाया था स्टूडेंट ने। इसी कलर व्हील, कलर थ्योरी है ये, देन ये बेस है आपकी, पैलेट है उसके, अंडर टोन स्टोन सब है, ठीक है? सी, ओके, स्केल्स जो आप सीखने वाले हो, कलर स्केल्स, ठीक है, टोन, ये सारे कलर कॉन्सेप्ट्स हैं, स्किन प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है, वो है, ब्रशेस की नॉलेज है, ये सारे ब्रशेस हैं ऐसी, ओके, टूल्स हैं आपके क्या क्या, ये आईब्रो शेप्स, कॉन्टोर, ओके, फेस शेप्स, करेक्शन, लाइनर्स, आपके अलग अलग लाइनर्स हैं, फिर आई टेक्निक्स हैं ये, ठीक, ये आपका प्रोडक्ट चार्ट है,
आप लोग सीखने वाले हो, सब कुछ सीखने वाले हो, फिर ये डेमोज है सब, जो उनके क्लास में जो डेमोज हुए थे ये है वो। ओके सी, जो हमने वहां पे मेकअप किया था वो सब है। ओके सो सुपर बनाई है ना, मजा आया, अच्छा ना, इंटरेस्टिंग ना। आप लोगों को भी ऐसे ही कुछ बनाना है, क्रिएटिवली बनाना है। अब आप बोलोगे मैम हमने ये क्यों करना है छोटे बच्चों जैसे, लेकिन ये सब आपको करना है, क्योंकि जब हम ये ऐसे काम करते हैं ना तो हमारे दिमाग में ना एक छोटा सा कीड़ा होता है, कौन सा, क्रिएटिविटी का। वो ऐसे सोया हुआ होता है ना तो उसको जगा देते हैं हम, उठ उठ जा, काम कर, काम पे लग जा, क्योंकि मेकअप में क्रिएटिविटी के बिना कुछ है क्या? व्हाट इज मेकअप? मेकअप इज क्रिएटिव, इट्स एन आर्ट, राइट, है कि नहीं? तो उसके लिए आपको ऐसे सब करना जरूरी है ताकि आप लोगों का जो क्रिएटिव माइंड है वो जाग जाए। हमारे ब्रेन में एरियाज होते हैं, क्रिएटिव एरियाज, एनालिटिकल एरियाज, फिर लैंग्वेज के एरिया। ओके तो ये जो क्रिएटिव एरिया है ना उसको जगाना है, ठीक है, उसको काम पे लगाना है। ओके एवरीवन रेडी? जैसे भी बन जाए मजा आता है बहुत। और एक चीज, जब आप ये बनाते हो, जब आप ये करते हो तो आपके सामने जो पूरा कोर्स है ना वो आप रिपीट करते हो खुद, जब आप लिखते हो बनाते हो तो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर रिपीटिंग ऑल दोस थिंग्स। तो आपको क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है वो कोर्स और आपको अच्छे से याद रहता है। ओके ठीक है, व्हाट इट, आप लोगों को प्रोजेक्ट भी बनाना है इस क्लास में, ठीक है, डन। और किसी को बात करनी है, एनीवन? यस मीना, इना मीना दीका, अनम्यूट करो मीना। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो मीना? मैं अच्छी हूँ मैम, मैं गुजरात से बोल रही हूँ। गुजरात से? कहाँ गुजरात? पालनपुर। कहाँ? पालनपुर से। पालनपुर से, अरे वाह, वेरी नाइस। और कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। पहली बार कर रहे हो? हाँ पहली बार कर रही हूँ। सामंजस्य से पहले से जुड़े हो कि पहली बार? मैं सेमेंजर से, मैं जो जस सर के क्लास में हूँ मैं। ओके तो अभी आपने मेकअप भी ले लिया? हाँ अभी मेकअप का धमाल। हाँ है ना? हाँ लेकिन मैम मैं थोड़ा बहुत गुजराती बोल दूंगी चलेगा? हाँ बोलो ना, बोलो, जितनी मुझे थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी मैं आंसर दे दूंगी, कोई बात। हिंदी तो मुझे आती है लेकिन थोड़ी थोड़ी आ जाएगी बीच में गुजराती, कोई बात नहीं, चलेगा, दौड़ेगा। कब से मैं वेट कर रही थी आपसे बात करने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत खुशी हुई, आप सब लोग इतने एक्साइटेड हो एंड आई कैन सी द एनर्जी इन ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा लग रहा है। यस मैम। ओके ऑल रेडी? ओके रेडी, गुड लक, थैंक यू मैम। ये सुषमा, आपका कैमरा ऑन हो गया। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सुषमा। हाँ जी, वो लैपटॉप में दिक्कत थी मैम, फोन चार्जिंग था। अच्छा इसीलिए आपने दोनों इस पे किया था। ओके 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 ठीक है ठीक है। कैसे हो सुषमा? मैं ठीक हूँ मैम, आपसे बात करने के लिए नजब से तरस रही थी मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुषमा कहाँ से हो आप? मैम सुपीदों से, हरियाणा से हैं। हरियाणा, ओके, पहली बार है? यस मैम पहली बार है। ओके आप पहले से मेकअप भी करते हो क्या? हाँ जी पार्लर है जी मैम। ओके तो भी और आगे बढ़ाना है।
हाँ जी, बस 4-5 मंथ हुए हैं मैम खोले हुए ओपनिंग के। वेरी गुड। तो उन्हें इतना नॉलेज नहीं है किसी भी चीज का, मेकअप का तो बिल्कुल ही नहीं है मैम। कोई नहीं, अभी मिल जाएगा और बहुत आगे बढ़ो, बहुत अच्छा थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, सो हैप्पी मैम। सेम हियर, सेम हियर, प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू सुषमा, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, एनीवन? झांसी, यस बच्चा, गुड मॉर्निंग मैम। ये ड्रेस में आप बहुत प्यारा लग रही है मैम। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मैम। इधर कोई भी अगर आंध्रा वाला मिलेगा करके सोचा है, एक भी आंध्रा वाला नहीं मैम, सब लोग हिंदी चल रहे हैं। हमारा लैंग्वेज का कुछ हेल्प करने के लिए समझ में नहीं आता है ना, वो पूछने okay, यहाँ पे कोई है क्या तेलुगु वाला? कोई तेलुगु, एनीवन तेलुगु? तेलुगु राइट? यस मैम। एकड़ नारु मैम, आपका आता है मैम तेलुगु? थोड़ा थोड़ा सा, और कुछ थोड़ा सा आता है मतलब okay? मेरे को उतना हिंदी जल्दी समझ में नहीं आता है मैम। मैं अभी है ना तेलुगु वाला कोई मिलेगा करके सोचा है, कोई भी नहीं है मैम, सब हिंदी बात कर रहे हैं। तो आपके पहले वाले इसमें नहीं मैम? चलो हम लोग ग्रुप में पूछेंगे, ओके okay? ग्रुप में हम लोग पूछेंगे कौन है तेलुगु, ओके okay? मैं उससे कनेक्ट कराती हूँ, डोंट वरी। एनीबडी तेलुगु, कोई है तेलुगु जिसको तेलुगु आती है? सुभाश्री आपको आती है तेलुगु? ओ ये देखो झांसी, कौन सी ये देखो, ये सुभाश्री, ये है तेलुगु है, मिल गई बहने, मिल गई अभी। हाँ ये थैंक गॉड मैम। उनका कहाँ है मैम, पूछो मैम, वो मैम हाँ, का पूछो। जगह हाय मैम। हाय बोलो, अभी आप तेलुगु में बात करो फिर पूछो आप ही तेलुगु में। मैम मी प्लेस इकड़ा ना, प्लेस बरमपुर ना, तेलुगु अच्छु बागने बरमपुर अदे एकड़ मैम, అది వైజ్ మతలబ్ సౌత్ స్టార్టింగ్ లోని బ్రహ్మపురం ఉంటది కదా, పలాస ముందు బ్రహ్మపురం వస్తుంది, తర్వాత పలాస ఇచ్చాపురం, ఆంధ్ర బోర్డర్ अभी जब ग्रुप में ज्वाइन होंगे ना तो आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करना, ओके सुभश्री, उनको हेल्प करना ठीक है, उनको हिंदी अच्छे से नहीं आती तो आप प्लीज हेल्प करना उनको ठीक है, क्योंकि सामंजस्य में ऐसे ही होता है, सामंजस्य में हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं, ओके सो आप देखोगे। हाँ जी यस झांसी मैम, मेरे को और एक पूछना मैम, घर सॉरी घर पे करके आगे बढ़ सकते हैं मैम? मैं अभी पार्लर कुछ नहीं लगाया। यस कर सकते हो आप, बढ़ सकते हो ओके, घर पे बैठ के भी आप कर सकते हो, आपको बस अपने आप को प्रमोट करना है। कैसे करना है चलो ये एक लेक्चर में आप सब सब बैचेस के लिए लूंगी ठीक है, ओके कि आप खुद को कैसे प्रमोट कर सकते हो, आप कैसे आगे बढ़ सकते हो घर बैठे भी, कोई सलोन या कोई पार्लर की भी जरूरत नहीं है आपको। आई विल टेल यू एवरीथिंग ओके, आई विल टेक दैट क्लास सबके लिए, सारे बैचेस ठीक है, ओके ओके थैंक यू सो मच मैम। हैप्पी नाउ झांसी इज हैप्पी, मना झांसी ना मुझे ना वॉइस में मैसेज भेजती थी, मैडम मुझे नहीं आता है ना, वॉइस मैसेज भेजा था ना? यस मैम। है ना मेरे को समझ में मतलब जल्दी नहीं समझ में नहीं आता है मैम, अपना लैंग्वेज रास्ता निकल ही आएगा। अभी सुभश्री इज देयर, सुभश्री प्लीज हेल्प हर ओके ठीक है सुभश्री, थोड़ा थोड़ा दैर को क्या बोलते थोड़ा अभी थोड़ा నేను అన్ని మీకు చెప్తాను, అంటే ట్రాన్స్లేషన్ చేసి తెలుగులోనే మీకు అన్ని చెప్తాను, డోంట్ వరీ ఓకే ఓకే మ్యామ్
मैम अभी थोड़ा डर थोड़ा से निकल रहे है, मैं हाँ अभी हिम्मत आई ना। आपने ग्रुप में क्यों नहीं पूछा कि कोई तेलुगु है कि नहीं है? ऑफ कोर्स ग्रुप में होगा कोई ना कोई तो पहले के बैच का, नहीं डेफिनेटली। मैम तेलुगु वाला नहीं है, नहीं मैं है क्लास सुनने के टाइम में मतलब सब लोग बोलता है ना उसी टाइम। फिर रत्ना मैम को वो कनाडा है मैम, रत्नदीप ओके मैम ओके को। हाँ वो थोड़ा सा तेलुगु जानता है लेकिन पूरा तेलुगु नहीं जानता है। ओके ओके इसीलिए आपने फिर से किया है, देखो शुभश्री मिल गई आपको अभी। हाँ नहीं मैम, ठीक है एक्चुअली क्या होता है ना, तेलुगु लैंग्वेज थोड़ा टफ होता है, मतलब बोलना बहुत टफ है। तो हम लोग क्या ना, हमारा एरिया में मतलब सब लोग तेलुगु बोल बोल के मतलब हैबिचुअल हो गए, करके आदत हो गई, अभी लेकिन देखो सारा तेलुगु भी बोलना मुझे बहुत भेज है। रही, सारा भी तेलुगु है। सो आपके पास में अभी दो दो तेलुगु है। ओके सारा बहुत अच्छे से बात करते हो ना आप तेलुगु। चलो हैप्पी, चलो बाबा चासी। पिछले वाले बैच मैम में भी ये हो रही थी तो मेरे को थोड़ा हेल्प ये लो करने से सारा भी है, सहारा। अभी सारा का सहारा भी मिल गया आपको। ओके जी जरूर ठीक जरूर है ओके। करूंगी मैम। सो सारा एंड शुभश्री जी मैम प्लीज हेल्प झांसी, एंड आप बाकी भी सब लोग जो हुआ एक दूसरे की प्लीज हेल्प करो। ठीक है, कोई पीछे रह जाता है, कोई आगे बढ़ जाता है, किसी को बहुत इजीली समझ आता है, किसी को थोड़ी सी देर लगती है, तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। इज इट ओके एवरीवन? या यस हैप्पी मैम यस मैम, सर, थैंक यू सी सो मच मैम। झांसी अभी मुझे मैसेज नहीं भेजेंगी, वॉइस मैसेज नहीं भेजेंगी। मैम मुझे नहीं आता, मेरे को इंग्लिश नहीं आता, हिंदी नहीं आता, क्या करूं? मेरे को एक ड्रीम है मैम, आपका सर से अच्छी तरह से सीख के आप अपना आप सैमन जस का अकाडमी खुद तो आपका नाम में मैं डालेगा मैम, वो पक्का करेगा, सुपर, यस, दैट्स व्हाट आई वांट। ये तो पक्का करेगा मैम, करने तक आपको नहीं छोड़ती है मैम। गॉड ब्लेस यू बच्चा, गॉड ब्लेस सच यू। में मैम मैं इसी बार बहुत ट्राई करती हूँ, बहुत ट्राई करके अच्छी तरह से सीख के आपसे अच्छी कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए कोशिश करती हूँ, हिंदी भी सीखने के लिए ट्राई करती हूँ। सो स्वीट, यस आई एम देयर ऑलवेज विथ यू। ओके विथ ओके मैम यू थैंक ऑल। यू सो मच मैम, ओके मैम थैंक यू, ओके चल, ओके थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड प्लीज हेल्प ईच थैंक अदर। हाँ यू सो मच, ओके मैम थैंक यू। अच्छा लगता है ना ऐसे जब होता है तो, ऐसा लग रहा है कोई बिछड़ी हुई बहनें मिल गई है ना। ठीक है ना, यही तो है ना मिलना बिछड़ना, एक दूसरे से मिलते हैं हम और एक फैमिली सी बन जाती है, और क्या साथ मिलके जितना हम आगे बढ़ सकते हैं उतना अकेला इंसान नहीं बढ़ सकता, ये तो एवरीवन इज अग्रीइंग टू इट, राइट है कि नहीं? तो ऐसे ही साथ साथ मिलके आगे बढ़ना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है, सामंजस्य में यही होता है। ओके आप लोगों को मैं कल परसों मैं आपको बोलूंगी, आप लोग भी जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, थोड़ा सा दो हाँ तीन दिनों बाद मे बी नेक्स्ट वीक आई विल आस्क यू टू ज्वाइन द ग्रुप एवरीवन। ठीक है के वहां पे भी सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं जो भी है, बस ये है कि उस ग्रुप में सिर्फ मेकअप की बात करनी है और कुछ नहीं बात करनी, ना कोई गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट फ्लावर की फोटो नेचर की फोटो ये सब कुछ नहीं भेजना, सिर्फ काम की बात करनी। ओके ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करनी। ओके नेक्स्ट वीक मैं आपको बोलूंगी एंड यू विल ऑल्सो ज्वाइन दैट ग्रुप। ठीक है, तब तक कल मिले अभी। एवरीवन रेडी? यस मैम, यस यस हाउ मैम, द जॉब? यस हाय वेरी हाय, मिलेंगे हम, बी रेडी विथ ऑल योर नोट्स, आपके नोटबुक पेन सब लेके रखना। ठीक है, और कैसे ऑर्डर करना है, प्रोडक्ट्स कैसे आपको मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, वो मैं आपको कल बताऊंगी। सी टुमारो एट 8:30 एंड वेलकम अगेन टू सामेंजर्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन प्रोफेशनल मेकअप डिप्लोमा। ओके बेसिक यस टू एडवांस मेकअप डिप्लोमा, या
सी यू ऑल, टेक केयर, बात okay, करनी है किसी को नहीं ना, ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, सी यू टुमारो 8:30.